हेलो स्टूडेंट्स मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं हूँ बेस हिंदी मीडियम में जो आपको प्रोवाइड करता है सातवीं से बारहवीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर है दो चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर कोई चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट कंप्लीट कंटेंट और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना भाई ये तो बहुत अच्छी बात चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के

पैकेज करने वाले खत्म बिल्कुल खत्म तो भाई आपको आखिरी तक देखना है आखिर तक भाई बिल्कुल स्किप नहीं करना और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दें जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें तो यहां इस चैप्टर के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक है सिर्फ और वो क्या है तो भाई पहला है दूरी सूत्र भाई कोई भी जो दूरी दू, दूरी दो बिंदु होंगे उसके बीच की दूरी देखनी होगी और उसके बाद विभाजन सूत्र है भाई कैसे विभाजन कोई भी एक रेखा होता है उसको किस तरह से विभाजित किया जाता है और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये सब कुछ जो निकालना है हमें वो किस में निर्देशांक जयमति में निकालना है अब निर्देशांक जयमति क्या है तो निर्देशांक क्या होती है तो निर्देशांक के बारे में आपको मैं बताऊं तो जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो ये एक्स अक्षर ये वाई अक्ष तो एक्स अक्षर जो बिंदु है एक्स के निर्देशांक है वाई अक्ष के जो बिंदु है वाई के निर्देशांक है डन यानी कि अगर मैं कोई भी बिंदु जैसे कि मैंने बिंदु यहां पर लिया ठीक है ये बिंदु मैंने ले लिया तो इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो तो भाई एक्स का मान तीन पर गया और वाई का मान दो पर गया तो ये यहां पर क्या है तीन और दो जो आया है ये इस बिंदु के निर्देशांक है. है ये इस बिंदु के निर्देशांक यानी इसकी निर्देशांकजीशन बता रहा है कि ये बिंदु कहां पर है डन कोई दिक्कत नहीं अब उसी के बाद मैं कहता हूं यहां पर एक और बिंदु है आपके पास एक और बिंदु कहां पर आ गया तो एक और बिंदु आपने देखा भाई यहां पर आ गया आपका ये बिंदु आ गया एक और बिंदु भाई मैं इसको ब्लैक में ही कर देता हूं तो यहां पर भाई एक और बिंदु यहां पर आ गया भाई ये है छे और वाई पर जा रखा है पांच तो भाई याद रखना जब भी हम निर्देशांक को लिखते हैं कभी भी बिंदु को लिखते हैं तो हमेशा पहले एक्स होता है और बाद में वाई होता है याद रखना हमेशा तो यहां पर क्या हुआ तो x का मान तीन है और y का मान दो है तो तीन और दो आ गया तो ये इस बिंदु के निर्देशांक है ये इस बिंदु के निर्देशांक है और मान लो कि आप इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हो तो जोड़ते ही क्या हो जाएगा आपके सामने तो भाई जैसे ही आपने इस बिंदु को जोड़ा तो जोड़ने के लिए मैं यहां पर कहता हूं भाई ये इस तरह से जुड़ गया तो ये एक रेखा खिचड़ी भाई रेखा खंड आ गए क्या है एक रेखाखंड है अब जब ये रेखा खंड आपके सामने आ चुका है तो भाई ये क्या हो रहा है तो निर्देशांक की वजह से आपने रेखा खंड देखे और रेखाखंड की जगह आप त्रिभुज भी कर सकते हो तो एक तरह की ज्योमेट्री यानी जयमती बन सकती है तो इसी को कहा जाता है निर्देशांक जयमति ओके निर्देशांक जयमति मतलब इस निर्देशांक के साथ खेला जा रहा है यहीं पर आप जयमति देखोगे रेखा देखोगे रेखाखंड देखोगे और आप त्रिभुज देखोगे वर्ग देखोगे बहुत सारी चीज देख सकते हो डन कोई दिक्कत नहीं चलो भाई ठीक है तो यहाँ पर भाई ये तो हमने समझ लिया कि निर्देशांक है क्या और इसके बाद जैसा कि हमारा जो पहला वाला पार्ट है भाई दूरी सूत्र क्या है तो भाई दूरी सूत्र की अगर मैं बात करूं भाई दूरी सूत्र ठीक है तो दूरी सूत्र का मतलब ये है कि जैसा कि आप इसी ग्राफ में देख पा रहे हो कि भाई ये पॉइंट इसको मैंने माना ये ए पॉइंट है और ये मान लिया बी पॉइंट है ठीक है भाई अब ए से बीच की दूरी आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई ए से बीच की, की बीच की की बी के दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे तो इसके लिए मैं आपको बताऊं तो आप मानना इसको एक्स टू और ये वाई टू डन ये चीज कर लेना है यानी कि इसी जगह पर यहां पर लिखा जाए तो यहां पर भाई हम लिख सकते हैं क्या तो यहां पर जैसे कि एक बिंदु ए बिंदु है जो कि हमने लिख लिया भाई एक्स वन और वाई वन और उसके बाद भाई बी बिंदु है जो कि आ गया एक्स टू और वाई टू वही आ गया ए बिंदु यह आ गया बी बिंदु यह आ गया अब इसमें कहा जाए दूरी निकालनी है किसकी तो ए और बी की तो यहां पर लिखा हमने दूरी ए बी ए बी के बीच की दूरी निकालनी है तो ये कितना होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और ये क्या एक्स टू माइनस एक्स वन यानी दूसरे वाले एक्स में से पहले वाले एक्स को घटाया और इसका वर्ग और प्लस में वाई टू माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन और इसका वर्ग डन तो ये आपका दूरी सूत्र हो चुका है क्या भाई दूरी सूत्र ये हो चुका है ऐसे आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल पाओगे ओके भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन में आपका लग जाता है अब हर किसी क्वेश्चन में लग जाता है भाई चीज तो आनी चाहिए और जब इसको बार बार करोगे तो चीजें बिल्कुल आसान कोई दिक्कत नहीं ओके तो यहां पर हमने हमने देखा ये दिया कुछ बच्चों की कंफ्यूजन होती है क्या अगर हमने एक्स वन माइनस एक्स टू कर दिया तो गलत हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू कर दिया तो गलत हो जाएगा तो नहीं आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो एक्स वन माइनस एक्स टू लिखो या एक्स टू माइनस एक्स वन लिखो बात कोई फर्क नहीं पड़ती डन क्योंकि वर्ग है माइनस साइन को प्लस वो कर ही देगा कोई दिक्कत नहीं ओके तो यहां पर ये चीज हमने लिख दिया दूरी सूत्र और इसको हम जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं तीन और छे इस तरह से अब इसको अगर मैं इसका दूरी निकालता हूं जैसे यहां पर इसकी दूरी निकाली जाए तो हम देख पा रहे हैं एक्स टू माइनस एक्स वन यानी छ में से गया तीन छ माइनस तीन कितना होता है तीन होता है उसका वर्ग फिर पांच माइनस में दो गया तो भाई कितना आता है तीन का वर्ग तो यानी इसको लिखा जा सकता है कितना तीन त्या नौ और नौ और यह आ गया रूट अट्ठारह भाई ये चीज आ गया और रूट अट्ठारह मतलब इसको हम तीन रूट दो भी लिख सकते हैं क्योंकि तीन तिया नौ दुनिया अठारह तीन का वर्ग तो आ रहा है दो अंदर रह गया भाई तीन तीन गुने दो तीन का वर्ग था वो बाहर आ गया दो अंदर आ गया यानी इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो ये आ चुकी है और इस तरह से आप दूरी सूत्र को लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं डन तो इसका स्क्रीन ले लो और इसका भी ये आपका फॉर्मूला था अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात क्या है हाँ जी आगे आता है आपका विभाजन सूत्र क्या होता है तो विभाजन सूत्र की मैं बात बताऊं तो जैसे कि आपके पास ए बिंदु यहां पर है ठीक है और यहां पर है बी बिंदु भाई ये दो बिंदु आ गए हमारे पास मैंने इसको मिला दिया ठीक है भाई ये दो बिंदु आ गए ए बिंदु के निर्देशांक आपके हैं हैं और 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 इसके हैं, X2 और Y2. और भाई इसी के बीच में एक सी बिंदु आ गया भाई इसी के बीच में एक सी बिंदु आ गया और ये सी बिंदु आपको नहीं पता या फिर इसके निर्देशांक हम एक्स वाई ले लेते हैं भाई कुछ भी हो सकता है ओके और ये सी बिंदु जो है वो इस पूरे ए बी को दो हिस्सों में बांट रहा है भाई दो हिस्सों में बांट रहा है अब वो दो हिस्से क्या है तो अगर मैं मान लू कि ये हिस्सा एम है और ये हिस्सा एन है तो इसका रिलेशन क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा तो भाई यहां पर जो विभाजन सूत्र के अकॉर्डिंग मुझे अगर ये एक्स निकालना है यानी अगर ये M अनुपात N में दिया हुआ है तो इस सी के निर्देशांक क्या होंगे तो इस X का मान निकालने के लिए एक्स लिखा और उसके बाद इस एन को इस एक्स वन से गुना करना होगा एन एक्स वन होगा प्लस में इस एम को उस X2 से गुणा करना होगा तो एम एक्स टू हो जाएगा और बटे में जो आएगा वो एन प्लस में एम आ जाएगा भाई एन प्लस में आ जाएगा डन अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर आपको एक्स निकालना है तो इसके जो अनुपात दिए हुए थे उसमें दूर वाले को दूर से गुना करना है यानी एक्स वाले को अगर एक्स वन को गुना करना है तो दूर से ठीक है एक्स टू को गुना करना है पास से नहीं करेगा वो वो इधर आके दूर से गुना होगा यानी एम एक्स टू होगा और नीचे बटे में एम प्लस एन होगा ये तो आ ही गया डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं वाई पे भाई वाई क्या होगा तो वाई की अगर मैं बात करता हूं तो वाई में जैसे कि हमारे पास ये है तो एन वाई वन आएगा भाई एन को हम वाई वन से गुना करेंगे तो भाई एन वाई वन आ गया प्लस में एम जो है वो उधर वाले वाई के साथ जाएगा यानी एम वाई टू आ जाएगा और बटे में एन प्लस में एम आ जाएगा तो एक चीज बस याद रखना क्या भाई x के साथ x ही चलेगा और y के साथ y ही चलेगा और कभी आपस में पास पास गुणा नहीं होगा वो दूर से गुणा होगा और ये दूर से गुणा होगा डन कोई दिक्कत नहीं तो ये आपका विभाजन सूत्र हो गया ओके okay, चलो भाई ठीक है ये निर्देशांक, कभी -कभी ऐसा होता है, निर्देशांक दिया होता है, अनुपात निकालना होता है तो उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है जब आपको निर्देशांक दे और अनुपात निकालना हो तो उस कंडीशन में एक को के मानना एक को एक मानना यानी एन की जगह के मान लो एन की जगह एक मान लो और उस अकॉर्डिंग आप इसके अनुपात निकाल पाओगे ठीक है डन इसके आधार पर क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको और ज्यादा रिलेट हो पाएगा फिलहाल आप इस फॉर्मूले को नोट कीजिए चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्या हमारा होने वाला है है अगला हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है क्या होता है तो भाई मैंने यहां पर भाई पहले एक त्रिभुज बनाया ठीक है और ये त्रिभुज जब मैंने यहां पर बनाया तो इसके निर्देशांक जो बन रहे हैं वो किस अनुसार तो ये ए लिखा और ये आ गया एक्स और वाई और भाई ये बी लिखा और ये आ गया एक्स टू और वाई टू और ये सी लिखा और ये आगे एक्स थ्री और वाई थ्री आ गया ठीक है भाई ए बी सी ये तीनों निर्देशांक हमारे सामने आ चुके हैं ओके okay. अब चाहिए हमें क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहां पर मैंने लिखा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा डन इसके क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा तो फॉर्मुले की अगर मैं बात करूं तो भाई हमें एक चीज पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है तो एक बटे में दो आधार गुणे में ऊंचाई फॉर्मूला तो हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन ना इसमें आधार पता है ना इसकी ऊंचाई पता है तो भाई यहां तो नहीं कर सकते तो ये फॉर्मूला ना लेकर हम दूसरा फॉर्मूला जो इस निर्देशांक जयमती में यूज हो रहा है उसके लिए एक बटे दो आएगा ठीक है फिर उसके बाद एक्स वन किया ठीक है एक्स वन कर दिया और भाई देख लो वन है तो भाई वाई कितना होगा वाई टू माइनस थ्री होगा ये क्या हो गया भाई एक्स वन है तो भाई वन टू थ्री आ गया ठीक है अब उसके बाद प्लस में एक्स टू करूं तो टू के बाद क्या आ रहा है तो दो के बाद तीन आएगा फिर एक आएगा तो यहां पर क्या करेंगे वाई थ्री माइनस वाई वन आएगा ठीक है और प्लस में नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर एक्स थ्री आएगा और थ्री के बाद क्या आ रहा है तो तीन के बाद क्या आता है तीन के बाद वापिस एक आएगा आएगा तो तीन एक दो यानी वाई वन और टू भाई ये चीज याद रखना ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं है देख पा रहे हो वन टू थ्री टू थ्री वन और फिर थ्री वन टू भाई वही चीजें एक दो तीन को ही आगे आगे लेके जाते जा रहे हैं डन कोई दिक्कत नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको लग बड़ा रहा है लेकिन इसको समझना इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि भाई देख पा रहे हो एक दो तीन गया फिर एक को हटाओ इसके पीछे लगाओ यानी दो तीन एक हो गया फिर दो को हटाओ पीछे लगाओ फिर भाई तीन एक दो हो गया भाई खत्म बात कोई दिक्कत नहीं है ओके तो चलो भाई ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मुला हो गया और अब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपके आपको तो तीनों निर्देशांक पता होंगे इसके तो जस्ट उठाकर इसके अंदर रखना और आंसर आपके सामने डन कोई दिक्कत नहीं चलो भाई एक चीज का ध्यान रखना इसके अंदर का आंसर कभी भी अगर नेगेटिव में आता है माइनस में आता है तो उस कंडीशन में क्या करना है तो उस कंडीशन में उसे प्लस ही कर देना है मैंने ये जो दो लाइनें खींची हुई हैं ये है इसे मॉडुलस कहा जाता है यानी इसका मतलब ये होता है इसके अंदर कोई भी चीज कोई भी अंक अगर ऋणात्मक होता है नेगेटिव होता है तो उसे प्लस ही कर दिया जाता है क्योंकि ऐसा क्यों होता है इसीलिए क्योंकि भाई क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता याद रखना क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता कुछ ना कुछ तो होगा ही और वो प्लस में होगा डन कोई दिक्कत नहीं स्क्रीन शॉट तो ये भी समाप्त होता है फिर चलते हैं नेक्स्ट इसके पे जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और अब आप उसको देखोगे कंप्लीट तक उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली डन चलो भाई देखते हैं तो यहां पर भाई सबसे पहले मैंने प्रश्न नंबर एक को देखा तो प्रश्न नंबर एक जो आपका एमसीक्यूज यानी बहुविकल्प प्रश्न में आता है और इसके अंदर क्या है तो बिंदु चार सात की एक्स अक्ष से दूरी बताइए भाई चार सात की एक्स अक्ष दूरी तो भाई यहां पर मैं आपको बता देता हूं जैसे कि ये आपको निर्देशांक ज... आपको यहां पर ये यह दिख रहे हैं अक्ष अक्ष और वाई एक्स। इसने कहा है एक्स चार और वाई सात तो इसमें दिख नहीं रहा मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा तभी वाई सात तक पहुंच पाएंगे ओके वैसे ऐसा नहीं है कि आपको चित्र बना के दिखाना पड़ेगा बस एक बार मैं समझा दूं उसके बाद आपको भाई कुछ भी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ये छे आ गया ये सात आ गया जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है एक्स चार है और वाई सात है तो एक्स चार मतलब एक्स पर गए चार और वाई पर गए सात तो यहां पर ये बिंदु आ गया ठीक है भाई ये बिंदु आ चुका है जो कि आपका कितना है तो ये आपका है एक्स चार है और वाई सात है अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई ये एक्स अक्षय कितनी दूरी पर है तो भाई ये एक्स अक्षय दूरी अगर मैं निकालू तो नीचे की तरफ दूरी होगी और ये कितनी दूरी है तो हम देख पा रहे हैं ये सात ऊंचाई पर गया कितना भाई ऊंचाई यहां से देखो सात तक गया है सात गए ठीक है यानी कि अगर एक्स अक्षय दूरी निकालनी है तो आप इसके वाई के निर्देशांक देख लेना यही एक्स अक्षय दूरी होगी यानी हम यहां पर देखेंगे भाई जो वाई के निर्देशांक हैं यही आपकी क्या है एक्स अक्षय दूरी है भाई वाई के निर्देशांक जो है वही एक्स अक्षय दूरी है तो भाई कितना आ गया तो सात ऑप्शन मतलब सेकेंड ऑप्शन जो कि सात है वो करेक्ट होता है ओके okay, बात समझ में आ गई इसी तरह से आप वाई अक्स वाले की बात भी कर सकते हैं अगर वाई एक्स की बात करते हैं कि भाई वाई एक्स से कितनी दूरी है तो आप एक्स वाले निर्देशांक को पकड़ते हैं और वो हो जाता है चार तो वाई एक्स से दूरी चार है और एक्स से दूरी सात है तो एक्स का पूछा था हमने साथ लगाया डन कोई दिक्कत नहीं स्क्रीन लो इसको चेक करते हैं बिल्कुल ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हाँ जी अगले प्रश्न की हम बात करते हैं किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है भाई किसी बिंदु की अक्ष से दूरी अब देखिए क्या चीज है और ये y वाई अक्ष अक्ष से दूरी यानी कि ये पॉइंट आ रहा है आपका तो, वाई से दूरी चार ही तो दूरी है वाई से यही बताया था अब वाई अक्ष से दूरी क्या आ रहा है तो एक्स के निर्देशांक आ रहे हैं तो एक्स के निर्देशांक यानी कि भाई ये ऑप्शन करेक्ट होता है एक्स के निर्देशांक होंगे Done. क्या भाई के निर्देशांक होंगे और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बात समझ में आ चुकी होगी कि भाई वाई एक्स से दूरी क्या होती है तो ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाते हैं मैंने दोनों टाइप आपको बताया ओके okay, चलो भाई तो इसको चेक किया बिल्कुल ठीक है चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहते हैं हाँ जी तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं कार्तीय तल में स्थित बिंदु भाई क्या है आठ और माइनस नौ की कोटि क्या होता है तो इसमें आपको बता दू कोटि के अंदर तो कोटि और भुज भाई दो चीजें होती है कोटि होती है और भुज होता है नहीं, मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं ये एक होता है भुज और एक होता है कोटि ठीक है भाई ये चीज आ गया भुज और कोटि हो गया अब भुज क्या होता है तो ये एक्स के निर्देशांक होते हैं ये एक्स के निर्देशांक जो होते हैं एक्स के निर्देशांक होते हैं एक्स अक्षय कह सकते हो बस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई ये एक्स वाले जो होते हैं वो भुज होते हैं और वाई वाले जो होते हैं वो कोटी होते हैं डन यानी कि अगर मैं कोई भी बिंदु उठाता हूँ जैसे कि चार और सात है ठीक है ये चार और सात है तो इसमें चार जो है वो आपका भुज है और सात जो है वो कोटी है डन कोई दिक्कत नहीं अब देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर हम देखते हैं भाई एक्स क्या है तो ये भुज आ रहा है आपका ठीक है और ये आपका कोटी आ रहा है पूछा क्या है तो कोटी पूछा है अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर तीन जो है जो कि माइनस नौ शो कर रहा है और वही आपका करेक्ट आंसर है डन अब आप भुज और कोटि में कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि कौन सी बात क्या होती है ओके okay, चलो भाई तो इसको चेक किया बिल्कुल ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हाँ जी अगले प्रश्न की हम बात करते हैं एक वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है भाई वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर स्थित है ठीक है भाई तथा त्रिज्या पांच है पांच है और भाई एक्स चार वृत्त पर स्थित हो तो एक्स का मान क्या होगा भाई ये कहना चाह रहा है भाई एक्स चार व्रत पर स्थित है तो एक्स का मान क्या होगा अब देखिए क्या चीज है जैसे कि मैं यहीं पर देखता हूं ये है ठीक है और यहां की बात करें तो इसके अंदर मान लो कि एक वृत्त हमारे पास है भाई एक वृत्त हमारे पास है जो कि जिसका कि त्रिज्या पांच दे रखा है यानी कि भाई मैंने यहां से देखा ये हो गया त्रिज्या पांच हो गया डन त्रिज्या पांच हो गया अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है अगर ये त्रिज्या पांच होता है तो एक्स और चार एक बिंदु है यानी एक्स तो कुछ है लेकिन वाई का मान चार है

यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी तो ये वाली दूरी जो है वो पांच है क्यों क्योंकि वृत्त की त्रिज्या ही पांच है वृत्त की त्रिज्या पांच है तो यह दूरी पांच होगी तो हमने यहां पर देखा कि भाई ये तो पांच हो गया और उसके बाद क्या है तो यहां से ये इसकी ऊंचाई कितनी होती है तो इसके ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो ये होगा कितना तो ये होगा चार होगा तो यहां पर भी मैंने लिखा ये चार है ठीक है भाई ये चार आ गया और उसके बाद ये ऊंचाई चार नहीं है ठीक है चार है बिल्कुल ठीक है चार आ गया अब ये कहां पर आ गया तो तीन पर आ चुका है ठीक है अब ये तीन पर आ गया तो ये यहां पर हमारे पास तीन हो गया डन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तीन हो चुका है तो यानी कि एक्स का मान कितना आएगा तीन आएगा और यहां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक्स का मान तीन और जो कि यहां पर आ जाएगा अब देखिए तीन भी यहां पर प्लस माइनस में है ऐसा क्या तो भाई ये जो सेम चीज इधर हो रही है सेम चीज आपका यहां पर भी तो हो सकता था भाई सेम चीज यहां जाओगे तो यहां माइनस और चार आएगा और इस साइड किया तो एक्स का मान तीन आया तो तीन और चार आ गया दोनों तरफ ही आ सकता है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई तो प्लस का ही है तो दोनों तरफ ही आ सकता है ग्राफ में क्या? समझ पा रहे कैसे निकल रहा है और दूसरा तरीका क्या है कि भाई सीधे इसको निकालने के लिए तो यहां पर हमें पता है त्रिज्या अगर पांच है और भाई ये बिंदु इतनी है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई एक्स का मान कितना है तो भाई नहीं पता एक्स का मान ठीक है और ये बिंदु है कितना तो एक्स और चार है ठीक है और ये हमारे पास आ गया पांच का और भाई इसकी बात करते हैं तो ये कितना आ गया तो ये हमारे पास है चार का ठीक है सॉरी ये चार नहीं है ये मैंने उल्टा लिख दिया ये पांच का और ये चार का है तो ये एक्स हमें याद करें तो भाई पाइथागोरस लगेगा और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पांच का वर्ग जो होता है वो किसके बराबर होता है चार का वर्ग प्लस में एक्स स्क्वायर ये होता है तो पांच का वर्ग पच्चीस आ गया चार का वर्ग उठ के इधर आएगा तो सोलह आएगा बराबर में एक्स का स्क्वायर यानी यहां से देख पा रहे हो एक्स का स्क्वायर बराबर में नौ है और एक्स का मान जो आ गया वो प्लस माइनस तीन आ चुका है भाई कितना प्लस माइनस तीन आ चुका है तो ये तरीका भी है तो देखो क्या है आपको करना क्वेश्चन ऐसे ही है मैंने आपको वो इसलिए बताया क्योंकि आपके माइंड में बैठ जाए कि भाई आखिर हुआ कैसे क्या हुआ ठीक है कि आप ये भूल ना पाओ भाई ठीक है क्योंकि तो यहाँ पर ये भूल भी जाओ लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं भूल पाओगे ये कैसे हुआ कि भाई ये इस तरह का वृत्त बना था ये इसकी त्रिज्या थी ये इस पर लंब जो कि क्या है भाई वाई से दूरी जो होता है सॉरी एक्स से जो दूरी होती है हो, वो ही होता है तो वाई चार है मतलब ये चार हो गया तो इस हिसाब तो से को निकाला तो वो यहां पर तो तीन आ रहा है और इसको हमने यहां पर से सिद्ध करके देखा तब भी तीन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है और वही प्लस माइनस तीन यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो क्वेश्चन समाप्त ओके भाई यहां पर हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली बता रहा हूं कि उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन भी अगर आ गया तो वो भी आपका फिनिश हो जाएगा डन कोई दिक्कत नहीं चल भाई तो भाई यहां पर हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पे अच्छा इसको चेक किया बिल्कुल ठीक है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई अगला प्रश्न कुछ ऐसा क्या रखा है यदि बिंदु ए और बी से बिंदु पी एक्स मतलब तंदुरुस्त नहीं समस्त समस्त मतलब क्या हो गया मतलब हो गया इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है तो यहाँ पर यह क्या हो रहा है ए तथा बी से ये समान दूरी पर तो मैंने पहले यहां पर ए बनाया जो कि है पांच एक फिर बी बनाया जो कि है माइनस एक और पांच है। और इसको भाई ये जो दो बिंदु हैं ये किसी एक बिंदु P से भाई किसी एक बिंदु P से संदुरुस्त है मतलब मतलब भाई ये 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 हो गया डन अब का मतलब ये है कि इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में बराबर है भाई ये दोनों दूरी बराबर है अर्थात यहां पर हम सीधे लिखेंगे कि भाई बी पी, बी -बी -पी जो है वो ए के बराबर है भाई ये देखा है अब इसने कहा है तो संदुरुष्ट है तो इसमें से कौन सी समीकरण होगी यानी कि इनका रिलेशन एक्स और वाई का रिलेशन क्या होगा तो उसके लिए क्या किया जाए बीपी की दूरी अगर निकालते हैं तो बीपी की दूरी अगर निकालेंगे तो क्या होगा तो यानी में में भाई होगा यानी कि हम देख सकते हैं भाई एक्स माइनस में माइनस एक यानी प्लस एक हो जाएगा इसका वर्ग और फिर वाई माइनस में पांच इसका वर्ग हो जाएगा ठीक है ये तो बीपी की दूरी होगी एपी की दूरी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा तो भाई एक्स माइनस में पांच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में एक का वर्ग भाई ये चीज़ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं अब क्या करेंगे दोनों और वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो भाई दोनों तरफ जैसे ही हम वर्ग करते हैं भाई इधर भी वर्ग किया और इधर भी वर्ग किया और दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करोगे तो वर्ग से रूट कट जाएगा और वर्ग से रूट कट जाएगा और उसके बाद हम यहां पर देखेंगे तो ये आ रहा है भाई एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस में भाई एक का स्क्वायर प्लस में टू ए भी यानी टू एक्स आएगा इसकी बात करें तो वाई का स्क्वायर प्लस में भाई पांच का स्क्वायर पच्चीस और माइनस में टू ए बी यानी टेन वाई बराबर में एक्स का वर्ग प्लस में पांच का वर्ग यानी पच्चीस और माइनस टू ए भी मतलब टेन एक्स होगा और इसको देखा तो वाई का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर माइनस में टू ए बी भाई वही फॉर्मूला है बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जस्ट उसको लगाया आंसर आपके सामने आएगा आराम से जैसे आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और अब हम देख पा रहे हैं क्या क्या चीज तो सारे एक्स वाई को एक तरफ ले आते हैं या भी और भी कुछ कट रहा है तो हाँ ये पच्चीस से पच्चीस भी कट गया ठीक है भाई पच्चीस से पच्चीस भी कट चुका है हम वाई को इधर करते हैं और एक्स को इधर करते हैं तो दस एक्स को उठाकर इधर लाएंगे तो दो एक्स तो था ही पहले अच्छा एक और दिख रहा है मुझे ये एक से एक ये भी कट गया है

बराबर में दो वाई क्या ऑप्शन में कहीं है तीन एक्स बराबर दो वाई तो यहां पर देखा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है ठीक है तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके मोस्टली बनते हैं और आपको आने चाहिए तो भाई यहाँ पर आप समझ चुके होंगे सम दुरुस्त मतलब क्या हो गया यानी कि समान दूरी पर दोनों हैं तो उनको अब आमने सामने बराबर किया और आंसर आपके सामने डन कोई दिक्कत नहीं स्क्रीन शॉट लो क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है इसको हमने चेक किया बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है ओके चलो भाई हाँ जी तो नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर छः की बात करते हैं यदि एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है भाई एक्स कोई है जो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है भाई इस प्रकार के हैं कि बिंदु P एक्स दो तथा Q तीन माइनस छः के बीच की दूरी दस इकाई है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए तो भाई इसके अंदर क्या कहा गया है कि भाई दो बिंदु हमारे पास है एक तो P बिंदु है जो कि है x दो और फिर उसके बाद Q बिंदु है और तीन और माइनस ठीक है और पी और क्यू के बीच की दूरी जो है वो हमें दस दे रखी है तो दूरी हम कैसे निकालते हैं तो ये निकालते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि इधर से माइनस करते हैं एक्स माइनस में तीन का होल स्क्वायर फिर भाई दो माइनस में माइनस छः, मतलब दो प्लस में छह का होल स्क्वायर भाई ये आएगा और हमें पता है पी का मान कितना है तो ये हमें दे रखा है दस इकाई है यानी दस लिखा अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तभी रूट हटेगा तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग किया भाई इधर भी वर्ग किया और इधर भी वर्ग किया तो वर्ग से रूट कट गया और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसका फॉर्मूला जो बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस में तीन का स्क्वायर कितना होता है तो भाई तीन का स्क्वायर हो जाता है नौ और उसके बाद माइनस में सिक्स एक्स यही हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी डन अब यहां पर मैं देखता हूं ये कितना आ रहा है तो ये आ गया हमारे पास कितना दो आठ आठ का वर्ग यानी कि आ गया बराबर में आ गया डन कोई दिक्कत नहीं अच्छा एक चीज क्या है इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं तो देखो चीजें और आसान होगी आसान कैसे होगी तो देखते जाइए कोई फैक्ट्राइजेशन नहीं कोई गुणनखंड की जरूरत नहीं पड़ेगी <coughs> यहां पर से इस चौसठ को उठाकर उधर भेजता हूं तो क्या बचा तो ये बच गया छत्तीस और यहां पर है एक्स माइनस में तीन और इसका वर्ग है वर्ग हटाओगे तो इधर रूट लगेगा भाई वर्ग हटा दिया अगर तो इस साइड पे रूट लग जाएगा और वो भी प्लस और माइनस के साथ और हम देख पा रहे हैं एक्स माइनस तीन बराबर में भाई प्लस माइनस तीन मतलब छत्तीस मतलब कि छ आ जाएगा डन भाई छह आ गया और इस अनुसार हम क्या कह सकते हैं x का मान क्या आएगा तो भाई यहां से मैं करता हूं भाई x माइनस तीन बराबर में छ आएगा और x माइनस तीन बराबर में माइनस छ आएगा भाई ये चीज आ गया और यहां से मैं देख पा रहा हूं एक्स का मान तो नौ आ रहा है और एक्स का मान यहां से की बात की जाए तो ये उस साइड जाके प्लस जाएगा यानी कि मैं कह सकता हूं माइनस छः प्लस में तीन आएगा यानी माइनस तीन आ जाएगा तो एक्स का मान माइनस तीन आ रहा है और एक्स का मान नौ आ रहा है भाई कौन सा वाला हम टिक करें इसमें भाई एक्स का मान माइनस छे है और सॉरी एक्स का मान माइनस तीन है और नौ है अब भाई बता दीजिए कौन सा टिक करें हम तो भाई क्वेश्चन जैसा कि हमने पढ़ा था क्या कि भाई एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर हो गया यानी एक्स का मान पॉजिटिव वाला ही लेना है माइनस वाला नहीं लेना यानी कि इस अनुसार हम एक्स का मान नौ सही कर देंगे और इसको नहीं लेंगे इसका मतलब हमारे पास ये एक्स का मान नौ ये ऑप्शन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है डन कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन ये समाप्त होता है और हाँ अगर ये धनात्मक नहीं लिखा होता तब उस कंडीशन में नौ और माइनस तीन दोनों ही सही होते हैं ओके okay, डन चलो ठीक है तो फिलहाल ये वाला थर्ड पार्ट सही है इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते देखते हैं हैं अगला प्रश्न क्या कहता है ओके okay, चलो भी देखते हैं। हाँ जी अगले की बात करते हैं तो यहां देखा है बिंदुओं भाई कैसा ए कॉस्टा प्लस बी साइन थीटा जीरो है और जीरो uh, की दूरी हमें ज्ञात करनी है अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ये जो इतना बड़ा है ना ये ये पूरा एक्स वन है और ये वाला जो है ये वाई वन है

और प्लस बी साइन थीटा भाई ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा इसके वर्ग को हम घटाएंगे ठीक है भाई जीरो में से इसको घटा दिया और उसके बाद क्या है भाई इसमें से वाई टू में से जीरो को घटाएंगे यानी कि इसको मैंने लिख दिया क्या भाई इसको लिख दिया प्लस में भाई क्या है तो ए साइन थीटा माइनस बी थीटा और इसके बाद इसके माइनस में कितना आएगा तो जीरो आएगा भाई ये चीज हमारे सामने आ गई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं इज ओके डन चलो ठीक है अब इसके बाद क्या चीज होता है तो भाई यहां पर जीरो में से ये घटाऊंगा तो भाई कुछ भी नहीं बचा भाई जीरो में से ये घटाया जाए तो जीरो की कोई है तो भाई पूरा आ कि मैं इसको देख पा रहा हूं क्या? तो भाई इसको यहां पर देख पा रहा हूं तो ए कॉस्टीटा प्लस बी साइन थीटा और इस पूरे का वर्ग है इधर देखा जाए तो यहां पर हमें दिख रहा है ए साइन थीटा माइनस बी थीटा और इस पूरे का वर्ग है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको solve करते हैं, हैं। यानी 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 कि खोलते तो तो जैसे ही खोला, तो यहां पर आ रहा है में में दो ए और बी और साइन थीटा ये आ गया ठीक है अब इसके बाद यहां की बात करते हैं तो ये क्या स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर स्क्वायर थीटा 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 और फिर उसके बाद क्या है माइनस में टू ए थेटा, थेटा। ये चीज हमारे पास आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं एवरीथिंग इज ओके ओके चलो भाई अब इसमें हम देखते हैं भाई क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा भाई ये चीज देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं दो ए बी कॉस्टिटा साइन टीटा दो ए बी साइन टीटा कॉस्टिटा सेम है। लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है यानी कि ये तो कट गया भाई ये पूरा कट गया और उसके बाद क्या आता है उसके बाद मैं देखता हूँ ए कॉस स्क्वायर है और ए साइन स्क्वायर है यही चीज है हमारे पास भाई ए स्क्वायर स्क्वायर है अब इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो कॉमन लेने की बात की जाए तो अगर ए वाले में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच गया कॉस स्क्वायर और प्लस में साइन स्क्वायर उसके बाद यहाँ पर बी स्क्वायर है बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर है बी स्क्वायर यहां से हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर भाई ये चीज आ गया डन कोई दिक्कत नहीं अब यहां पर देखते हैं है? है, है? तो ये भी एक होता है और बी बच गया कि अब हमारे पास जो इनके बीच की दूरी बची है वो बची है तो ये हमारे पास कहां दिख रहा है तो ये हमें फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र अंडर रूट में आ चुका है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है और इसको भाई चेक कर लेते हैं एक बार तो चेक किया बिल्कुल ठीक है और चलते हैं नेक्स्ट पे तो भाई अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर आठ है और ये कह रहा है कि जीरो जीरो एक जीरो जीरो एक से बने त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तो भाई परिमाप की अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो छोटे छोटे होते हैं इसको आप नॉर्मली इसमें देख सकते हो कैसे तो भाई मैंने देख पा रहा हूं जीरो जीरो एक चल रहा है मतलब ये मान लो जीरो है ये मान लो एक है और ये मान लो एक है ठीक है अब इसने कहा एक बिंदु तो यहां पर है ठीक है एक बिंदु कहा है तो एक जीरो पर एक्स एक वाई जीरो मतलब यहां पर है और एक बिंदु भाई भाई ये क्या है भाई? एक जीरो वाला है, और एक बात करें तो ये जीरो एक वाला है ठीक है तो ये कहां पर आ रहा है तो यहां पर बिंदु आ रहा है अभी इसका कहा गया परिमाप मतलब इन तीनों की दूरी ये हमें पता है इसकी दूरी तो एक है इसकी दूरी एक है अब इसकी दूरी कितनी होगी तो भाई ये तो नब्बे का होता है पाइथागोरस से होगा अब तो जब जब भी याद रखना जब भी ये दोनों सेम आ जाए तो और ये नब्बे डिग्री का है तो इसमें रूट दो के साथ उसको गुणा कर दो यानी एक गुणा में रूट दो यानी कि रूट दो ही आएगा तो ये एक है एक है ये ये रूट दो है, पूरे का कितना आ गया तो ये आ गया भाई दो प्लस में रूट दो आ गया तो इसके बीच की जो दूरी आ गई है वो कितनी है दो प्लस रूट दो है किसकी भाई इसके चार तरफ की लंबाई जैसा कि कहा परिमाप तो इसके परिधि का माप जो बाउंड्री की जो लंबाई है वो हमारी गई है दो प्लस रूट दो यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है और एक क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है डन कोई दिक्कत नहीं स्क्रीन शॉट लो क्वेश्चन यहां पर यह समाप्त होता है इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है और चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है ओके okay. चलो भाई हाँ जी तो अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर नौ की बात करते हैं तो ये ये कहता है कि यदि बिंदु पहला दूसरा तीसरा ये तीन बिंदु जो है वो संरेखी हैं यानी कि एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु हैं तो के का मान हमें ज्ञात करना है भाई के का मान क्या होगा तो देखो संरेखी का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई भी रेखा एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ जाए तो उसे संरेखी कहा जाता है वैसे तीन बिंदुओं से हम त्रिभुज ही बनाते थे और त्रिभुज अगर ये तीसरा बिंदु ये ऊपर होता तो ये त्रिभुज बन जाता ऐसे पूरा भाई ऐसे त्रिभुज बन जाता लेकिन ऐसा नहीं था भाई ये ऊपर नहीं था ये तो उठ के नीचे चिपक गया और नीचे अगर ये चिपक गया है के का मान निकलेगा और वही इसका आंसर होगा डन तो हम देख पा रहे हैं ये एक्स वन है ये वाई वन है ये एक्स टू है, है और ये वाई टू है और ये एक्स थ्री है और ये वाई थ्री है ठीक है अब हमें पता है इसका क्षेत्रफल जो है भाई क्षेत्रफल क्या है जो शून्य है बराबर में एक बटे दो आएगा और आएगा हमारे पास एक्स वन तो एक. यानी एक एक कि है के और उसके बाद क्या आएगा तीन के माइनस में एक क्या है माइनस और इसके बाद दो माइनस दो के आ रहा है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है तो भाई एक्स थ्री लिया तीन इसको छोड़ के आगे आते हैं तो भाई क्या आ रहा है भाई ये चीज हमारे पास आ गया डन कोई दिक्कत नहीं अब इसको जैसे ही मैं सॉल्व करता हूं ये दो इधर जाके शून्य हो जाएगा और बराबर में यहां गुना किया तो तीन के का वर्ग आ गया माइनस में के है प्लस में इसको अंदर गुना किया तो तीन के आ गया और तीन के को जब दो से कहते तीन दुनी छः के का वर्ग आ गया और यहां पर की बात करें तो तीन दुनी छः के आ गया और यहां पर तीन को इससे गुना किया तो तीन के नौ के आ गया ठीक है भाई ये हमने कर दिया ठीक है ये इतनी बात कर दी अच्छा इसको तो और सिंपल किया जा सकता था ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल दो में से एक गया तीन गया तो एक बचा माइनस का माइनस तीन को माइनस एक से बना करेंगे तो माइनस तीन के बच गया भाई वैसे करो चाहे ऐसे करो ये और शॉर्ट हो गया डन अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि भाई क्या इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए तो भाई यहां पर भाई मैंने देखा तो तीन के स्क्वायर और छे के स्क्वायर तो तीन में से छह गया तो माइनस तीन बचा इसको उठा के इधर ले आते हैं तो भाई तीन के का वर्ग बच गया भाई तीन में से छ गया तो माइनस तीन बचा उसको इधर लाएंगे तो प्लस का तीन के स्क्वायर हो जाएगा डन और उसके बाद क्या है तो भाई तीन के में से तीन के कट गए भाई तीन के में से तीन के खत्म और ये सिर्फ के बचा इसको भी उठा के इधर ले आते हैं तो भाई प्लस का के और बराबर में शून्य आ रहा है ठीक है देखो इसमें गलती कहां होती है गलती ये होती है कि आप इस के को इधर नहीं लाते और तीन के का वर्ग बराबर में के करते और बोलते भाई के से ये के कट गया और के बराबर में एक बटे तीन आ गया और यहां से ऑप्शन एक बटे तीन आप कर देते ठीक है ये एक बटे तीन कर देते लेकिन इसका एक और ऑप्शन आ सकता है एक और ऑप्शन क्या हो सकता है तो यहां से जैसे ही मैंने के को कॉमन लिया तो ये आएगा भाई तीन के प्लस में एक बराबर में शून्य है और यहां से हम देखते हैं तो के का मान एक आएगा शून्य जब ये नीचे जाएगा तो के का मान शून्य है और यहां पर तीन के प्लस एक बराबर में शून्य करोगे तो के का मान आ रहा है भाई एक उधर जाके माइनस एक बटे में तीन आएगा भाई ये आ रहा है डन क्या हो रहा है भाई माइनस एक बटे में तीन जैसे कि यहां पर भी ये माइनस के ही था तो माइनस एक बटे में तीन आ रहा था ठीक है तो भाई यहां पर देखिए क्या है वैसे इस क्वेश्चन में आपकी गलती बच जाती क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा कि जीरो ऑप्शन में नहीं दे रखा ठीक है लेकिन क्या है कि जीरो ऑप्शन में आ भी सकता था आ भी सकता था मतलब क्या है भाई यहां से तो फिलहाल माइनस एक बटे तीन यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो रहा है लेकिन ऐसे ही अगर इस ऑप्शन में एक और दिया माइनस एक बटे तीन और शून्य दिया रहता ऐसे मान लो कि दिया रहता तो आप इसको सही करते ना ही इसको डन तो फिलहाल हमने देख लिया भाई के का मान जो है वो ये आया है क्योंकि ऑप्शन में ये ही अवेलेबल है जीरो वाला अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको करने का तरीका इसी तरीके का होना चाहिए जिससे के के सभी मान आप निकाल पाओगे डन तो यहां पर हमने देखा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है जो कि माइनस एक बैठे तीन है और इसको हमने चेक किया तो फिर ये बिल्कुल ठीक है नो no प्रॉब्लम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है ओके चलो हाँ जी अगले प्रश्न की हम बात करते हैं प्रश्न नंबर है, है यदि वो समकोण है तो वाई का मान हमें ज्ञात करना है अब देखिए इसके लिए क्या होगा तो यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज है हमारे पास तो भाई यहाँ पर मैंने बनाया भाई ए बी तथा पी एक समकोण त्रिभुज है जिसका पी कोण समकोण है ठीक है भाई तो हमने यहाँ पर ये बनाया कि भाई इस तरीके से आ गया ये पी कोण जो है समकोण है और जो कि है बारह वाई ठीक है और उसके बाद ए जो हमारे पास है वो कितना है पांच तीन और भाई बी जो है वो कितना है तो ये आ गया भाई ग्यारह और माइनस पांच है भाई आ गया ग्यारह और माइनस पाँच डन कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है अब इसके बाद इसमें कहा गया है कि वाई का मान हमें ज्ञात करना है तो वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे तो भाई पाइथागोरस अगर ये सॉरी नब्बे डिग्री कोण को जब ये है तो उस कारणवश हम यहाँ पर पाइथागोरस तो लगाएंगे भाई जहां भी आपको समकोण त्रिभुज में मिल जाए वहां तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं यानी कि इसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि भाई ए बी का जो वर्ग है ये बराबर होगा किसके तो बी का वर्ग प्लस में ए के वर्ग के बराबर होगा भाई ये चीज़ हमें पता है डन अब भाई बात होती है ए बी के बीच की दूरी कैसे निकाल तो भाई वही एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वार का होल स्क्वायर यही होगा तो यहां पर से मैं कह सकता हूं भाई एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि भाई पांच माइनस में ग्यारह का होल स्क्वायर ठीक है भाई मैं तीनों को अलग अलग निकाल के दिखा देता हूं फिलहाल तो यहां पर क्या है ए बी के बराबर क्या आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या भाई पांच माइनस में ग्यारह का होल स्क्वायर और फिर प्लस में तीन माइनस में माइनस पांच यानी प्लस पांच हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा ठीक है ये आ रहा है लेकिन यहां पर स्क्वायर था इसलिए रूट खत्म हो जाएगा तो रूट खत्म करते हैं और यही सीधे आंसर हो है पांच में से ग्यारह गया कितना बचा छह छह का वर्ग छत्तीस होता है और आठ का वर्ग चौसठ होता है यानी ये आ रहा है छत्तीस प्लस में चौसठ यानी कि ये सौ आ गया भाई ए बी का वर्ग जो है वो सौ आ गया डन उसके बाद हम आते हैं बीपी पर भाई बी कितना होगा तो बीपी की बात करते हैं तो बीपी के लिए क्या होगा ग्यारह माइनस में बारह तो भाई यहां पर लिखा ग्यारह माइनस में बारह और इसका वर्ग ठीक है और प्लस में माइनस पांच माइनस वाई माइनस पांच माइनस वाई का वर्ग ठीक है ये कर दिया पूरा रूट नहीं लगाया क्योंकि यहां पर वर्ग लगा दिया इसलिए रूट लगाने की जरूरत नहीं है भाई ग्यारह में से बारह एक और एक का वर्ग क्या होता है तो एक ही होता है तो भाई एक का वर्ग एक हो गया यहां पर भाई माइनस को बाहर निकाल देंगे तो भाई माइनस बाहर जाके प्लस जाएगा क्योंकि वर्ग है भाई प्लस कर देगा उसे तो इसका नॉर्मल खुलेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर कितना है यानी पांच का स्क्वायर पच्चीस प्लस में वाई का स्क्वायर और प्लस में टू ए बी यानी कि दस वाई हो जाएगा

भाई पूरे पे रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ग लगा हुआ है भाई लगा हुआ है तो भाई पांच में से बारह गया कितना बचा है तो पाँच में से बारह जब जाएगा तो सात बजेगा और सात का वर्ग उनचास आ गया ठीक है और इसकी बात करते हैं तो तीन का वर्ग क्या होगा तो नौ वाई का वर्ग वाई होगा स्क्वायर और माइनस में टू ए भी मतलब माइनस छ वाई हो जाएगा डन ये बात होगी इसको अगर देखते हैं तो ये हमारे पास जुड़ कर ये अट्ठावन प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस छ बाई आ रहा है डन कोई दिक्कत नहीं अब जैसा कि हमें पता है कि पाइथागोरस लगने वाला है यानी कि सौ ए बी की जगह आएगा यहां लिखा सौ और इसके बराबर में क्या है तो ये दोनों बी और ए दोनों जुड़ेंगे यानी कि मैंने लिखा छब्बीस प्लस में वाई का वर्ग प्लस में दस वाई प्लस में अट्ठावन प्लस में वाई का वर्ग माइनस छ वाई भाई ये चीज हो गया हमारे पास डन कोई दिक्कत नहीं चलो भाई अब उसके बाद क्या है तो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जुड़ेगा तो ये आएगा दो वाई का स्क्वायर आएगा ठीक है और उसके बाद यहां पर हम देख पा रहे हैं जोड़ दिया और दस में से छ गया तो यह चार वाई बचा चार छह गया चार वाई बच गया और उसके बाद क्या है दस में से गया छब्बीस और, और अट्ठावन जोड़ेंगे तो आठ छह कितना होता है ये चौसठ चौसठ और ये कितना हो जाएगा चौरासी हो जाएगा भाई मतलब प्लस चौरासी आ गया ठीक है और बराबर में कितना है तो सौ आ चुका है ठीक है इस सौ को भी उठाकर दूसरी तरफ ले आते हैं तो दूसरी तरफ जैसे ही आप लाओगे तो यहां से आप देख पा रहे हो कि जीरो बराबर में आ जाएगा दो वाई का वर्ग प्लस में चार वाई प्लस में क्या है चौरासी में से जब सौ घटेगा तो सोलह बचेगा तो भाई माइनस में सोलह लिख देता हूं माइनस में सोलह आ गया पूरे को दो से भाग किया जा सकता है यानी कि ये दो से जब पूरे को भाग कर देंगे तो यह दो को जीरो ही आ जाएगा दो से भाग करेगा तो सिर्फ वाई स्क्वायर दो से भाग किया तो भाई ये सिर्फ दो वाई और ये यहां पर कितना आया तो माइनस में आठ आ जाएगा तो ठीक है अब इसका हमें करना है क्या इसका वाई कमान यहां से निकालना है अब यहां से वाई कमान कैसे निकलेगा तो मैं मैं यहां पर लिख देता हूं हाँ जी तो यहां पर भाई मैं लिख देता हूं यहां पर जैसे कि लिखा हुआ आ रहा है क्या वाई स्क्वायर प्लस दो वाई माइनस में आठ तो यहां पर हमने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस दो वाई माइनस में आठ बराबर में शून्य डन कोई दिक्कत नहीं यहाँ से वाई का मान अगर निकालता हूँ तो क्या आएगा माइनस बी यानी कि भाई हम पूरा ही का हीरो पूरा हम वर्गमूल का सूत्र निकाल रहे हैं कि भाई किस सूत्र से निकाल रहे हैं कि भाई वाई का मान क्या आएगा तो माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि दो का वर्ग चार माइनस फोर ए सी मतलब कि माइनस चार गुने में एक गुने में आठ आठ चौक बत्तीस आ जाएगा ठीक है और बटे में कितना आ आया था तो टू ए यानी दो आ गया यानी इसको लिख सकते हैं माइनस टू प्लस माइनस में और ये छत्तीस का रूट क्या होता है छह बटे में दो यानी मैं यहां पर देख सकता हूं छह माइनस दो माइनस छह मतलब माइनस आठ बटे दोग आएगा ठीक है या फिर आएगा भाई कितना माइनस दो प्लस छ यानी चार बटे आएगा यानी इसको कह सकते हैं हम माइनस चार और दो भाई ये दो ऑप्शन आ रहे हैं वाई के कि भाई माइनस चार हो सकता है और दो हो सकता है कहीं ऑप्शन में है तो माइनस चार और दो ये थर्ड ऑप्शन कंप्लीट होता है ओके okay. तो भाई ये क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश होता है भाई याद रखना जब भी आपके सामने समकोण वाली बात आए तो उस कंडीशन पे आपको लगाना है पाइथागोरस पाइथागोरस और और फिर सॉल्व करना है और में जो भुजाएं थी उनकी दूरी तो आपको निकालनी पड़ेगी तो भाई दूरी का सूत्र लगाए और आंसर आपके सामने है डन कोई दिक्कत नहीं स्क्रीन ले लो इसका और उसके बाद साथ में स्क्रीन आप इसका भी ले लो ठीक है और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है अच्छा इसको चेक किया बिल्कुल ठीक है और चलते हैं नेक्स्ट पे अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो कुछ ऐसा कहता है कि भाई ग्यारहवां प्रश्न की यदि बिंदु ये, ये 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 तीन बिंदु हैं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पाँच वर्ग इकाई है तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है भाई हमें दे रखा है भाई ये तीनों पॉइंट दे रखे त्रिभुज के अब कहा गया है कि भाई इससे इसका जो क्षेत्रफल है वो पाँच तो एक्स का मान बताइए तो इस कंडीशन पर आप यहाँ ये लिखोगे ये एक्स है और ये वाई है ये एक्स है और ये वाई है और ये एक्स है और ये वाई है डन और यहां से क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है तो एक बटे दो होता है प्लस में एक्स टू कितना है माइनस दो और इसके साथ क्या आएगा तो इसके आगे वाले चलेंगे एक माइनस में दो एक्स आएगा और प्लस में भाई एक्स थ्री यानी कि तीन आ गया ठीक है और इसके आगे वाले यानी यहां चलेंगे तो भाई वाई वन माइनस वाई टू या दो एक्स माइनस छ आएगा दो एक्स माइनस छह आ गया ये चीज हमारे पास आ गई और ये क्षेत्रफल हमारा किसके बराबर है? तो क्षेत्रफल ये पांच के बराबर है तो ये पांच लिखा हमने क्षेत्रफल ये दो नीचे से ऊपर जाएगा यानी पांच दुनी दस हो गया और यहां पर मैं देख पा रहा हूं तो क्या आ रहा है तो भाई ये पांच एक्स हो जाएगा छह में से गया पांच यानी पांच एक्स आ गया इसको अंदर गुना करेंगे तो माइनस दो प्लस में कितना आ जाएगा भाई चार एक्स हो जाएगा और उसके बाद यहां की बात करते हैं तो भाई तीन दूनी छह एक्स आएगा और माइनस में बारह हो जाएगा छिया अट्ठारह हो जाएगा भाई ये चीज हमारे पास हो गया अब यहाँ पर से मैंने लिखा दस और बराबर में क्या है पांच पंद्रह माइनस दो और माइनस अठारह बीस हो गया इसको उठा के इधर भेजा तो ये तीस हो गया बराबर में पंद्रह एक्स और यहाँ से मैंने देखा एक्स का मान जो है वो पंद्रह आ चुका सॉरी दो आ चुका है भाई पंद्रह दोनों तीस यानी एक्स का मान दो आ चुका है और क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है कि एक्स का मान दो आ गया जो कि आपका थर्ड पार्ट था तीसरा पार्ट था जो कि सॉरी तीसरा ऑप्शन था जो कि दो आ चुका है बिल्कुल करेक्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी करते हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व ओके चलो भाई देखते हैं अच्छा इसको चेक किया बिल्कुल ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला प्रश्न जो हमारे पास है भाई बिंदुओं तीन छः और भाई क्या है बारह माइनस तीन को मिलाने वाले रेखाखंड का एक्स से जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात है क्या है भाई यानी कि आपको बस ये कह रखा है कि भाई एक रेखा ऐसी है जिसके अंदर क्या है तो भाई ये तीन और छ है और ये दे रेखा है बारह और माइनस है और इसने ये कह दिया है कि एक रेखाखंड है रेखाखंड है जो कि एक्स अक्ष के एक्स यानी इस रेखाखंड को एक्स अक्ष काट रहा है और एक्स अक्ष जब भी काटता है तो एक अक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो भाई जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई ये एक्स अक्ष मान लो भाई मैंने यहां पर देखा कि भाई ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु आता है मान लो ये बिंदु आता है तो ये क्या होगा तो इस पे ये हमेशा एक्स का मान रहेगा और वाई शून्य रहेगा ठीक है यानी एक्स पर अगर कोई भी बिंदु होता है तो एक्स का मान रहेगा और वाई शून्य रहेगा वही वह चीज यहां पर हो रही है भाई इस रेखाखंड को एक्स अक्ष काट रहा है मान लो कि यहां पर काट रहा है तो यहां पर अगर काट रहा है तो बिंदु क्या हुआ था एक्स का कुछ ना कुछ मान रहेगा लेकिन वाई शून्य रहेगा भाई एक शख्स अगर काट रहा है पहले रेखाखंड एक का एक्स अक्ष जिस अनुपात तो विभाजित करता है एक्स विभाजित कर रहा है यानी एक अक्ष काट रहा है तो इसका आपका निर्देशांक जो होंगे वो एक्स और शून्य होगा डन कोई दिक्कत नहीं अब क्वेश्चन में कहा है इसके अनुपात बताइए किस अनुपात में तो जब आपको अनुपात निकालना होता है तब हम इसे के और एक मान लेते हैं अब इस अनु अनुसार अनुपात निकलेगा और ये अनुपात की मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो भाई किस तरीके से होने वाला है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ पहला क्या है ये एक्स है भाई क्या है ये है और ये जीरो है तो जो अंक हमें पता है उसके बिहाफ पर सॉल्व करेंगे ओके तो भाई यहां पर हम देखते हैं वाई का मान हमें शून्य पता है तो वाई का फॉर्मूला क्या था तो वाई का फॉर्मूला हमारे पास ये था इस के को हम इसके वाई से गुना करेंगे छे गुने में एक प्लस में इस के को हम उधर से गुना करेंगे सॉरी एक को छ से और के को माइनस तीन से माइनस तीन से गुना किया और बटे में आ रहा है के प्लस में एक आ रहा है ठीक है और हमें पता है वाई का मान शून्य है तो ये अगर शून्य है तो ये इधर आके ये भी शून्य हो जाएगा और ये बच गया सिर्फ छः और माइनस तीन के बच गया इसको उधर ले आते हैं तो तीन के बराबर में छः आ जाएगा और यहां से मैंने देखा के बराबर में तीन दूनी छह यानी के का मान दो आ चुका है भाई के का मान दो आ चुका है डन तो यहां से हमने देखा के का मान दो आ गया यानी दो अनुपात एक भाई दो अनुपात एक ये इसका आंसर आ चुका है आप यहां पर देख सकते हो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है जो कि दो अनुपात एक है डन कोई दिक्कत नहीं स्क्रीन शॉट लो क्वेश्चन यहां पर समाप्त तो होता है चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व ओके चलो अच्छा इसको चेक किया बिल्कुल ठीक है तो अगला हमारा प्रश्न नंबर तेरह है और तेरह क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि यदि बिंदुओं ए बी बी सी सी ए ये से बने त्रिभुज का केंद्रक केंद्रक मूल बिंदु से पर स्थित है मतलब ये क्या रखा है ये तीन जो आपके पास पॉइंट है त्रिभुज है उसका जो केंद्रक है वो किस पर है तो मूल बिंदु पर है मूल बिंदु अर्थात क्या हो गया तो शून्य शून्य हो गया यानी कि इसके अंदर हम कह सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री देखो इसका केंद्रक कैसे निकाला जाता है तो केंद्रक निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि भाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यानी कि भाई ए प्लस बी प्लस C, बटे में दो बटे में तीन होता है बराबर में शून्य आएगा और इस अनुसार हम क्या कर सकते हैं तो ये A plus, B plus C कितना है मूल्य है तो, भाई, आ, केंद्रक है तो भाई, तब इसने कहा है कि ए क्यूबी क्यूब का क्या होगा तो भाई एक चीज आपको अगर याद हो तो भाई बता दो नौवीं कक्षा में आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी सर्वसमिका पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस में थ्री ए बी सी बराबर में क्या था तो भाई ये ए प्लस बी प्लस सी था ठीक है फिर उसके बाद था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भाई ये कुछ फॉर्मूला था इतना बड़ा भाई इतना बड़ा फॉर्मूला था और इसके अंदर से हमने ये पढ़ा था अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो जाता तो ये पूरा जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये सारा जीरो हो जाएगा और इसका मतलब ये हमारे पास अच्छा यहाँ पर ये माइनस में हुआ करता था भाई ये हमारा माइनस में हुआ करता था ABC. तो ए बी सी बराबर शून्य हो जाएगा और उस अनुसार ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होता है तो थ्री ए बी सी होता है और यही इसका आंसर है जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं चौथा पार्ट करेक्ट होता है ओके तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चलते हैं नेक्स्ट पे तो भाई इसको हम पहले चेक भी कर लेते हैं तो चेक किया हमने तो बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हाँ जी तो अगला हमारा प्रश्न नंबर चौदह और ये कुछ ऐसा कह रहा है कि बिंदु हमारे पास है एक और जीरो और जीरो और एक ऑस पैंसठ डिग्री के बीच की दूरी की याद करनी है करनी है भाई तो भाई अब सोचोगे सर पच्चीस डिग्री हमें पता नहीं है पैंसठ डिग्री पता नहीं कैसे निकलेगा भाई बिल्कुल निकलेगा बस देखते जाओ तो यहां पर हमने देखा कि मान लो ये ए आपके पास है और ये बी है और इसके अंदर इसको कहेंगे एक्स और ये आ जाएगा क्या वाई वन और ये क्या है तो ये एक्स टू है और ये है वाई टू डन भाई ये चीज हमारे पास है कोई दिक्कत नहीं इस अकॉर्डिंग क्या होगा तो हमें पता है ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी तो भाई एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि जीरो माइनस में जीरो माइनस में एक ऑस पच्चीस डिग्री ठीक है भाई ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन यानी कि ए कॉस पैंसठ जो है ए कॉस पैंसठ डिग्री माइनस में कितना है तो जीरो आ गया ठीक है दूरी जो है आ चुकी, अब इस पर हम वर्ग करते हैं। इसका जब वर्ग निकाला तो वर्ग कितना होगा तो यहाँ पर भाई मैंने देखा हुई क्या? तो इसका वर्ग, वर्ग करते का, प्लस किया गया। ए का वर्ग कॉस स्क्वायर पच्चीस ठीक है प्लस में यहाँ पर वर्ग किया तो भाई ए का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पैंसठ भाई ये चीज आ गया अगर मैं स्क्वायर का कॉमन लेके बाहर करूं तो स्क्वायर है भाई ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और यहां पर कॉस स्क्वायर पच्चीस है और भाई क्या है तो कॉस स्क्वायर पैंसठ है भाई ये चीज हो गया कॉस स्क्वायर पच्चीस है और कॉस स्क्वायर पैंसठ है डन अब भाई कॉस पच्चीस क्या होता है कॉस पैंसठ क्या क्या होता है कैसे निकाला जाए तो एक चीज आपने पढ़ी है क्या कि भाई हमें पता है साइन नाइनटी माइनस ठीटा जो होता है वो कॉस होता है भाई यही होता है साइन नाइनटी थीटा यानी कॉस ठीटा होता है डन यानी कि अगर मैं इस थीटा की जगह पच्चीस लिख दूं यानी अगर इसकी जगह मैं पच्चीस डिग्री लिख देता हूँ तो यहां पर भी मुझे पच्चीस लिखना पड़ेगा ठीक है यानी साइन नाइन्टी माइनस पच्चीस जो है कॉस पच्चीस के बराबर है यानी कि इसको करा जाए तो साइन पैंसठ जो है ये कॉस पच्चीस के बराबर है भाई है तो इस अनुसार मैं इसकी जगह क्या साइन पैंसठ लिख सकता हूँ तो भाई बिल्कुल तो हमने क्या किया ए स्क्वायर को रूट के बाहर करेंगे तो ए ही आ जाएगा अंदर बच गया हमारे पास कितना तो इसकी जगह आ गया साइन स्क्वायर पैंसठ और ये हमारे पास कॉस स्क्वायर पैंसठ तो था ही ठीक है अब हमें पता है साइंस स्क्वायर प्लस कॉस्कर क्या होता है एक होता है तो एक को जब ए से गुना करेंगे भाई ये ए है हमारे पास एक को जब ए से गुना करेंगे तो ये ए ही हमारे पास आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो भाई ए कैसे आ गया ये एक है भाई ये तो पता चल गया ना साइंसक्वायर प्लस कॉस्कर डेटा एक होता है और इस एक से जब ए को गुना करेंगे तो ए हमारा आंसर आ चुका है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है जो कि ए आता है ओके okay, तो भाई इसका स्क्रीन शॉट आपने ले लिया है फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व ओके इसको चेक करते हैं तो चेक किया बिल्कुल ठीक है और चलते हैं नेक्स्ट पे हाँ जी तो अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर पंद्रह प्रश्न कुछ ऐसे कहता है कि दो बिंदु P और Q है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के, के निकाय क्या होंगे तो ये P और Q के मध्य बिंदु की बात करते हैं तो P हमारे पास दो माइनस दो है Q हमारे पास माइनस दो दो है इसका मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु जब भी आपको निकालना होता है कैसे निकालते हैं तो एक्स ये वाई है ये एक्स और वाई है अगर मध्य बिंदु एक्स निकालू मैं ठीक है तो ये कितना होता है एक्स वन प्लस एक्स टू यानी दो प्लस में माइनस दो और बटे में दो होता है ये मध्य बिंदु होता है तो इसमें एक्स वन एक्स टू और बटे में दो आ रहा है अब ये देखा शून्य आ गया मतलब ये तो शून्य आ गया उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं

Osionfish. बिल्कुल ठीक है और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो अगले प्रश्न की बात हम पर देखते हैं किसी बिंदु माइनस आठ और छह किस चतुर्थांश में है भाई ये किस चतुर्थांश में है तो मैं आपको बता दूं भाई इसके अंदर हमें पता है कि ये इधर ये एक दो होता है भाई ये होता है इधर भी एक और दो होता है इधर होता है माइनस एक माइनस दो होता है इधर माइनस एक माइनस दो होता है तो हम यहां देख पा रहे हैं दोनों तरफ प्लस है यानी ये वाला प्लस 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 होता है यानी कि एक्स भी प्लस है इसमें और वाई भी प्लस है इधर की बात करें तो एक्स नेगेटिव है और वाई प्लस है ठीक है इधर की बात करें तो एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस यानी दोनों माइनस के हैं और यहां पर देखिए तो एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है भाई ये होता है और ये आपका पहला चतुर्थांश है ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है भाई ये चार चतुर्थांश तो है आपके पास डन कोई दिक्कत नहीं अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं भाई इसमें क्या है एक्स माइनस का और वाई प्लस का कहाँ है तो ये तो इसमें एक्स माइनस का वाई प्लस का दूसरा चतुर्थांश है यानी कि द्वितीय पर आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा आप इसका स्क्रीन ले लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर यह समाप्त होता है डन चलो भाई ठीक है आप इसका स्क्रीन ले चुके हैं मैंने यहाँ पर इसको चेक किया बिल्कुल ठीक है और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहते हैं ओके चलो हाँ जी तो अब यहाँ पर आते हैं प्रश्नोत्तर यानी कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है किस तरीके से रख था। लेकिन अब की बार क्या है कि आप क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करते हो कैसे लिखते हो वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके चलो भाई तो यहां पर भाई मैंने देखा इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दर्शाइए दो ए भुजा वाला एक संभाव त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए दो ए वाले भाई इसकी भुजाएं क्या है दो ए दो हैं तो ये भी दो ए और ये भी दो ए है ये भी दो हैं। है ठीक है क्योंकि इसने ये कहा है कि सम बाहु है क्या है कि समबाहु समबाहु त्रिभुज त्रिभुज क्या यानी सारी भुजाएं सेम होगी अब इसने ये कहा है कि भाई इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यानी कि ए तो हमें पता है और ये तो आपका मूल बिंदु है जीरो जीरो लेकिन इसके अनुसार अब हमें ये वाले निर्देशांक बताने हैं कि ये कितने के होंगे एक्स और वाई कितने का होगा ये हमें ज्ञात करना है डन कैसे होगा वो देखते हैं तो उसके लिए क्या है तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हल ठीक है और यहां पर मैं लिखूंगा एबीसी एबीसी क्या है एक एबीसी नहीं है एबीओ है एबीओ है ए बी में भुजा क्या है इसकी इसकी भुजा की अगर मैं बात करता हूं तो भुजा इसकी हो जाएगी दो ठीक है इसकी भुजा दो है, डन कोई दिक्कत नहीं और इस अनुसार हम देखते हैं भाई के निर्देशांक तो जीरो जीरो तो ये ये इस क्वेश्चन में क्या करेंगे तो ऊपर से एक लंब खींचा गया बी एल एक लंब खींचा गया तो यहां पर हम क्या करते हैं बी एल बी एल जो है लंब किस पर खींचा गया ठीक है भाई भाई BL जो है ये BL जो है वो OA पर लंब खींचा गया है यानी कि ये यहां पर हमने नब्बे डिग्री कर दिया कोई दिक्कत नहीं और याद रखना जब भी अगर समबाहु त्रिभुज में एक सिर से लंब डाला जाता है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है यानी कि अगर ये पूरा दो A है तो ये वाला A हो जाएगा बस ठीक है यानी कि हम यहां पर ये करेंगे भाई तब तब हम कह सकते हैं कि OL जो है ये बराबर में कितना हो जाएगा तो एल ए के बराबर हो जाएगा और ये हमें पता था पूरा दो ए है तो ये आधा हो जाएगा यानी कि ये सिर्फ ए हो जाएगा यानी ये ए आ गया डन कोई दिक्कत नहीं चलो भाई ठीक है ये ए आ गया ये दो ए है तो भाई मैं यहां पर देखता हूं अब त्रिभुज किसमें तो त्रिभुज हमारे पास है ओ एल बी में ओ एल बी में इसमें देखा था कोण एल जो है ये नब्बे डिग्री का है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा तो भाई ओबी का स्क्वायर BL का स्क्वायर और OL के स्कार के योग के बराबर होगा यानी मैंने लिखा तब ओबी का जो वर्ग है ये बराबर किसके है तो बी एल का वर्ग प्लस में ओ एल का वर्ग भाई इन दोनों के बराबर है अब ओबी के वर्ग की बात की जाए तो ये दो ए हमें दे रखा है तो हमने यहां पर लिखा कि ये दो ए है बराबर में बी की बात करें तो बी कितना है तो भाई बी की बात करें ये नहीं पता यही हमें ज्ञात करना है ठीक है बी का वर्ग हमें ज्ञात करना है उसके बाद ओ की बात करें तो ये कितना है तो ए का वर्ग है अब मैं यहां से देख पाता हूं तो ए के वर्ग को इधर देखते हैं तो दो का वर्ग चार है तो चार ए का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर बराबर में बी का वर्ग होगा ठीक है इसको देखा तो ये तीन ए का स्क्वायर आ गया और बराबर में बी का वर्ग है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा तो रूट लगते ही क्या हो जाएगा तो ये रूट तीन हो जाएगा और और ये ए हो जाएगा बराबर में आ गया ठीक है यानी आप देख पा रहे हो इसकी ऊंचाई कितनी है तो भाई रूट तीन ही है। ये कितना है तो भाई है तो इसके निर्देशांक क्या है तो ये एक्स का निर्देशांक होता है यानी ये ए आ जाएगा और ये वाई का निर्देशांक होता है यानी ये रूट तीन ए आ जाएगा तो हम यहां पर कहेंगे क्या कि तब बी के निर्देशांक निर्देशांक जो है भाई बी के जो निर्देशांक है वो हमारे पास कितना आ गया तो भाई ए और रूट तीन ए आ गया डन तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई आपको इसी तरीके से इसको प्रेजेंट करना है और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व ओके चलो भाई ठीक है हाँ जी तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई ये कह रहा है एक्सख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए

अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए मतलब ये बिंदु ज्ञात करें नहीं, X करना है। तो यहां पर जैसा कि क्वेश्चन के अंदर मैं लिखता हूं हल और इसके अंदर जैसा हमें दे रखा है क्या इसमें हमें दे रखा है कि भाई ए के निर्देशांक जो है वो दो माइनस पांच है और तथा बी के निर्देशांक जो है वो माइनस दो नो है वही ए के निर्देशांक दो माइनस पांच बी का निर्देशांक माइनस दो नो डन चलो ठीक है और उसके बाद क्या है तो यहां पर मैंने देखा इसमें ओ आ गया है ये ओ बिंदु कर दिया तो यहां पर लिखेंगे तथा ओ जो है वो हमने कर दिया एक्स और जीरो कर दिया ठीक है भाई ये चीज कर दिया हमने डन कोई दिक्कत नहीं चलो भाई ठीक है अब देखिए हो क्या रहा है तो कहा है क्वेश्चन में ये इसके बराबर है तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार भाई यहां पर लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार भाई प्रश्न, प्रश्न के अनुसार की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं ए o जो है बराबर है बी के भाई ए जो है वो बी के बराबर आ गया डन चलो ठीक है अब ए के बीच की दूरी कैसे निकाली जाएगी तो भाई एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस में दो का वर्ग आएगा प्लस में जीरो माइनस में माइनस पांच जीरो माइनस में माइनस पांच मतलब प्लस पांच हो जाएगा और इसका वर्ग और ये रूट में आ गया अब बराबर में बी की बात करते हैं तो एक्स माइनस में माइनस मतलब एक्स प्लस और फिर जीरो माइनस में नाइन भाई ये आ जाएगा जीरो माइनस में नाइन का वर्ग आ गया और ये रूट में आ गया अब हम यहां पर देख पा रहे हैं दोनों तरफ तो वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ तो जब वर्ग करोगे तो इधर भी वर्ग आएगा और इधर भी वर्ग आएगा वर्ग से रूट कट गया वर्ग से रूट कट गया और हम देख पा रहे हैं यहां पर क्या तो भाई इसका होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स प्लस माइनस दो का होल स्क्वायर तो एक सौ एक्स का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर यानी चार माइनस में टू बी यानी चार एक्स पाँच का वर्ग यानी कि पच्चीस बराबर में एक्स का वर्ग आएगा प्लस दो का वर्ग यानी चार प्लस में टू ए भी मतलब के, का इधर के प्लस जाएगा प्लस चार चार आठ एक्स हो जाएगा अब यहाँ इक्यासी और चार पिचासी और उसको उठाकर इधर लाएंगे इधर था कितना था ये उनतीस था इसमें से घटाया मैंने पिचासी भाई उनतीस में से पिचासी को घटा दिया डन अब 30 में से जब पिछासी को घटाएंगे तो कितना होगा तो इसमें से तीस घटा दूं मैं अस्सी में से घटाएंगे अस, पचास आएगा 55, 56, 56 आ रहा है। यानि कि हम यहां पर देख पा रहे और यहां से एक्स की बात करें तो अठू सत्तु छप्पन सात पर यह कट गया आठ एक्स का मान माइनस सात आ चुका है यानी यही इसका आंसर है एक्स का माइनस सात है तो हम यहां पर लिखेंगे तब एक्स अक्ष पर बिंदु तब एक्स अक्ष जो है पर बिंदु x एक्स, एक्स पर जो बिंदु है वो कितना आ गया आपके पास तो वो हमारे पास आ गया है माइनस सात और शून्य आ गया वही कितना आ गया माइनस सात और शून्य आ चुका है डन कोई दिक्कत नहीं स्क्रीन शॉट ले लो क्वेश्चन यहां पर यह समाप्त होता है फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके सॉल्व ओके तो स्क्रीन शॉट इसका ले लो और चलते हैं नेक्स्ट पे ओके चलो भाई हाँ जी तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर तीन और तीसरा प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि यदि एक संभा त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक हमें ये दे रखे हैं भाई एक त्रिभुज है उसके दो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक आपको हैं तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं अब देखो संभा त्रिभुज की बात करें तो कैसा होता है तो भाई ये कुछ ऐसा आ गया ये ए मैंने लिया ये बी ले लिया और ये सी ले लिया ए के निर्देशांक हमने लिख दिया भाई तीन और रूट लिख दिया बी के निर्देशांक जो लिख दिया वो आ गया हमारा शून्य शून्य हो गया और सी के निर्देशांक हमें नहीं पता उसको हमने एक्स और वाई लिख दिया डन कोई दिक्कत नहीं है अब देखो होगा क्या हमें पता है तीनों दूरियां बराबर है है भाई भाई त्रिभुज मतलब तीनों दूरियां बराबर है। तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई क्या हल में। हल में के अंदर हम आते हैं तो यहां पर मैंने लिखा भाई जैसा क्वेश्चन में दिया था भाई त्रिभुज ए संबाह त्रिभुज लिखता हूं मैं संबाह त्रिभुज एबीसी तो यहां पर लिखा संबाह त्रिभुज संभा त्रिभुज ए बी सी में भाई संभावित्रिभुज ए बी सी है तो संभावित त्रिभुज ए बी सी में की बात करते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में कहते हैं कहते हैं तो यहाँ पर हम देख पाए इसके निर्देशांक जो है वो शून्य शून्य यानी कि भाई पहले बी जो है शून्य मतलब ए कितना है ए है तीन और रूट तीन और बी जो है वो दोनों जीरो है और सी की बात करें जो कि एक्स और वाई है भाई ये ए बी सी तीनों चीजें आ गई है कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है अब उसके बाद इसने ये कहा है कि भाई तीसरे शीर्ष को हमें ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं तब अगर यह संभाव हुआ इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए भाई ये चीज तो होगा ठीक है पहले हमने निकाला ए बी ए बी कितना होगा तो ए बी की बात की जाए तो भाई इसकी दूरी हो जाएगी और दूरी कैसे निकालेंगे एक्स टू माइनस एक्स यानी तीन में से जीरो गया तीन में से जीरो गया इसका वर्ग प्लस में रूट में से जीरो गया इसका वर्ग भाई आ गया और तीन का वर्ग होता है कितना नौ और रूट तीन का वर्ग होता है तीन और ये रूट में आ गया यानी कि रूट बारह है और इसको लिखते हैं क्या चार तिया बारह होता है चार क्या होता है दो का वर्ग होता है यानी कि दो को हमने बाहर किया और रूट तीन कर दिया ये इसकी दूरी आ गई ए बी की डन कोई दिक्कत नहीं अब चलते हैं नेक्स्ट मतलब बीसी की बात करते हैं बीसी की दूरी कितनी है तो बी सी की दूरी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं एक्स माइनस में शून्य का होल स्क्वायर यानी कि लिखा भाई एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर भाई ये दोनों चीज हो गई है इसको हम क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं भाई एक्स है। तो 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 माइनस में तीन का होल स्क्वायर प्लस में कितना आ रहा है तो वाई माइनस में रूट तीन का होल स्क्वायर भाई ये चीज हमारे पास आ गया ठीक है अब इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी क्या ही होगा तो यहीं पर अभी फिलहाल छोड़ देते हैं ठीक है यहीं पर छोड़ देते हैं अब देखो क्या है जैसा कि हमें पता है ए बी बी सी सी ये तीनों बराबर थे एबी मतलब को क्या करता हूं बीसी के बराबर कर देता हूं तो मैंने यहां पर लिखा क्या पर यहां पर हम नेक्स्ट में आ जाते हैं यहां पर हमने लिखा बी बराबर सी जब जब ए बी बराबर में बी सी है तो इस कंडीशन में ए बी का मान कितना लिखा हुआ है तो, दो रूट, तीन लिखा है। तो दो रूट तीन है आ गया। दोनों तरफ मैंने ऐसे वर्ग कर दिया और वर्ग करते हम देख पा रहे हैं ये क्या है था? दो दुनिया चार ती बारह बाई बारह आ गया और यहाँ पर वर्ग से रूट कट गया यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया ये हमारी समीकरण एक आ गई अब उसके बाद जब हमारे पास आ रहा है ए बी बराबर में ए सी ए बी बराबर में क्या है हमारे पास भाई ए बी सॉरी ए सी बराबर में A, A है यानी बराबर सी आ रहा है बिल्कुल ठीक ठीक है तो ए बी का मान कितना है तो दो रूट तीन है एसी की बात करें तो ये हमारे पास कितना है तो इस पर रूट की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस में रूट तीन का होल स्क्वायर भाई ये चीजें अब इसमें भी दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 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 कितना कितना आ आ रहा रहा है तो वर्क करते है करते इस वर्ग से ये कट गया और यहां पर बराबर में इसको अगर कर मैं करता हूं, तो कितना आ रहा है? तो का स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर क्या होगा तीन तो और माइनस में टू ए बी यानी, तो यानी कि दो रूट तीन वाई हो जाएगा डन गया

y बराबर में कितना है तो भाई बारह आ चुका है ठीक है इसमें से दो को हमने कॉमन ले लिया ठीक है भाई दो को जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया तीन एक्स प्लस में रूट तीन वाई बराबर में बारह अब यहां पर दो छिक बारह छः आ गया यानी हम देख पा रहे हैं तीन एक्स प्लस में रूट तीन वाई बराबर में छः भाई ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो कि भाई तीन एक्स प्लस तीन रूट तीन वाई बराबर छः ये इसका रिलेशन आ गया तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तीसरे शीर्ष के निर्देशांक के लिए हमारे पास जस्ट क्या आया है भाई जस्ट हमारे पास इसके पास हमारे पास एक समीकरण आ गई है ठीक है जो कि समीकरण कुछ ऐसी आई है कि भाई तीन एक्स प्लस रूट तीन वाई बराबर में छः है डन तो भाई ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को हम क्या करेंगे भाई इस समीकरण इस समीकरण को हल करेंगे आपस में तब एक्स वाई का मान आएगा और वो कैसे तो यहाँ देखिए यहाँ से मान लो कि मैंने निकाला एक्स का मान तो भाई एक्स का मान क्या आएगा तो एक्स के मान के लिए इसको उठा उधर भेजेंगे तो भाई छः माइनस में रूट तीन वाई और बटे में ये वाला तीन आ जाएगा भाई ऐसा कुछ आ गया हमारे पास डन कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है अब भाई इसमें भी हम क्या करते हैं रूट तीन को कॉमन ले लेते हैं देखो छे का मतलब क्या होता है छः का मतलब होता है दो गुने में तीन यानी कि दो गुने में रूट तीन और रूट तीन गुने में रूट तीन भाई ये चीज होगा डन तो यहाँ से अगर मैं रूट तीन को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो रूट तीन अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ बच गया दो रूट तीन और माइनस में वाई और बटे में तीन है भाई ये चीज़ हमारी एक्स का मान आ गया इस एक्स के मान को उठाकर हम समीकरण एक में रखेंगे तो फिर हमारे पास वाई का मान एक्जेक्ट निकलेगा और वो कैसे तो यहां देखिए तो हमने क्या किया भाई एक्स का मान समीकरण एक्स के मान को समीकरण एक में रखने पर भाई एक्स के मान को समीकरण एक में रखा जाएगा तो यहां पर हम देख पा रहे हैं बारह बराबर में एक्स की बात करते हैं एक्स ये पूरा है तो इसका वर्ग करेंगे तो रूट तीन का वर्ग तीन आ गया और ये आएगा दो रूट तीन माइनस में वाई इसका स्क्वायर आ जाएगा और बटे में तीन का वर्ग यानी कि नौ आ जाएगा ठीक है भाई ये आ गया और प्लस में क्या है तो प्लस में वाई स्क्वायर है भाई ये चीज आ गई हमारे पास डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई अब क्या करते हैं इसको इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए नौ को एलसीएम लेके इधर भेजते हैं और नौ को इधर ले आते हैं यानी कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ जो कि हमारे पास आ जाएगा बारह बराबर में तीन और इसके साथ क्या है तो भाई इसके साथ हमारे पास था रूट दो रूट तीन माइनस में वाई दो रूट तीन माइनस में वाई और इसका स्क्वायर और बटे में क्या है तीन है भाई बटे में कितना है तीन नहीं नौ है और नौ प्लस में वाई स्क्वायर है तो बटे में नौ प्लस में वाई स्क्वायर है भाई ये चीज़ आ गया कोई दिक्कत नहीं है ओके okay, डन अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं तो एल्शियम लेने वाले हैं तो एल्शियम मैंने एक करके इसका लिया तो यहां से देख पा रहा हूं एल्शियम नौ तीन को अंदर गुना किया तीन को भी रहने देते हैं इसको वर्ग खोला तो क्या होगा ए का स्क्वायर यानी कि बारह इसका वर्ग बारह हुआ दो दूनी चार तीया बारह ठीक है प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर और माइनस में टू मतलब दो दुनी चार रूट तीन वही माइनस टू ये चीज आ जाएगा ठीक है और इस पर क्या है तो इस पर पूरे पर पूरे के ऊपर जो है ये हमारे पास वर्ग भी है वर्ग तो हमने खोल ही दिया प्लस में ये नौ इससे गुना होगा तो ये नौ वाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है भाई इतनी बात हो गई है ओके और बराबर में यहाँ पर बारह है तो बारह को नौ से गुना कर देंगे बारह निमक कितना आ जाएगा तो एक सौ आठ हो जाएगा बराबर में तीन को अंदर गुना तो बारह दूनी चौबीस बारती छत्तीस आ गया और भी तीन को वाई स्क्वायर से करेंगे तो चार तीन वाई स्क्वायर आ गया और यहाँ पर भाई हम देखते हैं तो ये आ गया भाई कितना तीन चौक बारह माइनस बारह रूट तीन आ गया प्लस में नौ वाई का स्क्वायर आ गया भाई इतनी बातें हो गई है हमारे पास डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई अब उसके बाद क्या करेंगे तो भाई इसमें हम देख पा रहे हैं तीन वाई स्क्वायर नौ वाई स्क्वायर मिलकर बारह वाई स्क्वायर हो गया ठीक है और उसके बाद क्या है अच्छा एक चीज़ रह गई है यहाँ पर ये वाई भी था यहाँ पर ये वाई भी था ये रह गया था भाई टू ए भी मतलब वाई भी आएगा तो यहाँ पर भाई ये वाई भी चल रहा है हमारे पास तो इसको हमने लिखा माइनस में बारह रूट तीन वाई और उसके बाद क्या आ रहा है तो उसके बाद हम देख पा रहे हैं प्लस में छत्तीस है छत्तीस को उठाकर इस साइड भेजते हैं छत्तीस को उठाकर जब इस साइड भेजेंगे तो कितना होगा छत्तीस दूनी बहत्तर बहत्तर छः अठहत्तर मतलब ये घट जाएगा तो बहत्तर आ जाएगा ठीक है अब देखिए क्या है तो सब में बारह से भाग किया जा सकता है तो बारह से सब में भाग किया जिससे कि ये समीकरण छोटी हो जाएगी बारह से ये कट गया बारह से ये कट गया बारह छः को बहत्तर आ गया यानी अब जो हमारे पास समीकरण है वो आई है वाई स्क्वायर माइनस रूट तीन वाई और इस छः को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस छः बराबर में शून्य भाई ये चीज आ गया डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई ठीक है अब तो हम सूत्र चल जाते हैं, जिससे कि वाई का मान निकल जाएगा डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई या फिर और क्या कर सकते हैं हम तो और हम करेंगे तो रूट तीन रूट तीन चलो हम द्विघातीय सूत्र से निकाल लेते हैं तो वाई का मान जो होगा वो माइनस भी यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी रूट तीन आ जाएगा प्लस माइनस में अंडर रूट में बी स्क्वायर रूट तीन का स्क्वायर क्या होता है तीन होता है माइनस फोर ए सी चक चौबीस प्लस चौबीस आ गया और बटे में टू ए यानी दो रूट तीन आ गया भाई ये चीज हमारे पास आ गया दो ए है ए में कुछ भी नहीं है मतलब एक है बस ठीक है अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये रूट है और प्लस माइनस है और ये आ गया भाई चार तीन सात सत्ताईस आ गया है और बटे में दो आ गया और हमें पता है सत्ताईस का मतलब क्या होता है तो सत्ताईस रूट में है इसको लिखा जा सकता है भाई तीन का वर्ग गुने में तीन लिखा जाता है यानी कि ये कितना आ जाएगा ये तीन रूट तीन आ जाएगा यानी सत्ताईस की जगह तीन रूट तीन लिखा जा सकता है ओके तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ क्या तो ये हमारे पास आ गया थीन रूट तीन प्लस माइनस तीन रूट तीन और बटे में दो है ठीक है अब तीन में प्लस तीन करेंगे रूट तीन में प्लस तीन रूट तीन करेंगे तो चार रूट तीन बटे दो आ गया और भाई तीन रूट तीन में माइनस रूट तीन करेंगे तो माइनस दो रूट तीन और बटे रूट तीन बटे में दो आ गया यानी यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ दो दूनी चार दो एकम दो यानी कि हम देख पा रहे हैं दो रूट तीन और माइनस में रूट तीन पर ये दो चीज़ें हैं दो रूट तीन और माइनस रूट तीन ये चीज़ हमारे पास वाई का मान आ चुका है भाई वाई का मान क्या आ गया दो रूट तीन और माइनस रूट तीन डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई भाई ठीक है ये दो चीज़ आ आ हमारे दो, 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 दो। यानी बराबर आएगा दो रूट तीन तब तब एक्स कितना होगा तो हमें जैसा कि पता है पिछले में ही पता था क्या एक्स स्क् वाई स्क्वायर बारह के बराबर था तो यहां पर हमने देखा क्या कि जब ये इतना है तो हमें हमने देखा बारह बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर यानी कि ये इसका स्क्वायर यानी ये बारह ही आएगा इधर जाके घट जाएगा यानी जीरो बराबर में एक्स स्क्वायर है, है यानी एक्स का मान जीरो आ गया यानी जब ये आता है तो एक्स का मान जीरो है और जब वाई का मान हमारा माइनस रूट तीन आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा तो यहाँ पर लिखा बारह प्लस बराबर में एक्स का वर्ग और माइनस रूट तीन का वर्ग कितना होगा तो तीन होगा इसको उठा के इधर भेजेंगे तो नौ बराबर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स का मान कितना आ रहा है तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं एक्स का मान आ रहा है प्लस माइनस तीन आ रहा है ठीक है ये चीजें हो सकती है यानी हम यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं कि आंसर जो होगा वो दो रूट तीन जीरो आएगा या फिर माइनस रूट तीन तीन आएगा या माइनस रूट तीन माइनस तीन आएगा डन ये चीज हमारा आंसर यहां पर कंप्लीट होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या भाई हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फाइनली आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है ये एक बड़ा क्वेश्चन है ठीक है और ये आपका चार से छह मार्क्स जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स आता है उतने का ये पूछा जा सकता है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए डन तो भाई मुद्दा सिर्फ इतना ही था कि तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों भुजाओं को मैंने बराबर लिखा ठीक है तीनों को अलग अलग निकाला और तीनों को आमने सामने इक्वेट किया और उसके बाद भाई जो समीकरण बनी और एक समीकरण को दूसरे में डालकर एक्स और वाई का मान निकालना और कुछ नहीं ज्यादा था था। भाई यहीं पर देख पा रहे हैं यहां से हमने देखा कि भाई इस समी, एक समीकरण ये निकला दूसरा समीकरण ये निकला इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमारे पास को एक एक्स का मान आया उसको वापस इसमें रखा तब जाके वाई का मान आया फिर एक्स का ही मान आ गया कोई दिक्कत नहीं है डन चलो ठीक है चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हाँ जी अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर चार कुछ ऐसा कह रहा है बिंदुओं जीरो जीरो माइनस दो एक माइनस तीन दो से गुजरने वाला वाले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए मतलब इसने ये कहा है कि इन तीनों निर्देशांकों से गुजरने वाला वृत्त है ठीक है और उसके केंद्र केंद्र के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं अब हमें पता है कि अगर एक वृत्त हमारे पास है एक बिंदु मान लो यहाँ पर है जीरो जीरो से गुजर रहा है एक बिंदु यहाँ पर है जो कि ये माइनस दो एक से गुजर रहा है और एक बिंदु यहां पर है मान लो कि माइनस तीन और दो से गुजर रहा है ठीक है अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त है और उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं मतलब ये केंद्र हमें चाहिए कितना होगा ठीक है ये केंद्र हमें चाहिए कितना होगा डन तो भाई ये केंद्र की बात करें तो जैसा कि हमें त्रिभुज ये दिख रहा है भाई ये त्रिभुज हमें दिख रहा है इस केंद्र की बात करें तो इस केंद्र को के लिए क्या होगा तो हमें पता है इसकी दूरी इसकी दूरी और इसकी दूरी तीनों की दूरियां बराबर होगी क्या भाई तीनों की दूरियाँ बराबर होगी यानी कि अगर मैं इसको एक्स वाई मान लूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा तो इसका नाम मैंने ओ लिखा ये ए आ गया ये बी हो गया और ये सी हो गया तो यानी यहां से भाई ओ सी की दूरी ए की दूरी और बी ओ की दूरी के बराबर होगी डन तो इसको हम यहां पर लिखते हैं यहां पर लिखा हल तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं भाई ए बी सी भाई ए को हमारे पास है कितना भाई ए को ले लिया है माइनस तीन और दो ये हमारा माइनस तीन दो है ठीक है बी हमारा कितना है तो माइनस दो और एक है और तथा सी जो है ये कितना है ये जीरो और जीरो है ये गए ए इतना आ गया बी इतना आ आ गया गया सी, सी इतना गया, तीनों चीजें आ चुकी है डन कोई दिक्कत नहीं चलो भाई अब ए बी सी ए बी सी तीनों पॉइंट अगर हमारे सामने आ चुके हैं तो उसके अनुसार हमें पता है इन तीनों की त्रिज्याएं बराबर होगी तो यहां पर हम लिखेंगे तथा वृत्त का केंद्र वृत्त केंद्र जो है ये क्या है भाई ओ है जिसको कि xy मान लिया तो यहां पर हम लिखेंगे तब त्रिज्या जो है सारे त्रिज्या ही तो है त्रिज्या क्या OC OA OB भाई ये तीनों चीजें बराबर होगी डन कोई दिक्कत नहीं पहले हम देखते हैं इसमें OC कितना आएगा तो OC की अगर मैं बात करता हूं इस OC की बात कर रहा हूं तो क्या होगा तो भाई दूरी सूत्र लगेगा जो कि होता है x में 0 का होल स्क्वायर ठीक है प्लस में वाई माइनस में जीरो का होल स्क्वायर यानी कि यहां से मैं देख पा रहा हूं कि ये आ गया हमारे पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं डन चलो ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है तो ओ के बाद हमारे पास आएगा क्या तो वही ओ बी आएगा तो ओ बी मैंने ओ ए निकाल लेते हैं पहले ओ ए निकालते हैं तो ओ ए के लिए क्या होगा तो ओ ए की बात करें तो ओ हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास तीन है ठीक है यानी कि एक्स माइनस मैनि कि प्लस तीन हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा भाई क्या हो जाए एक्स माइनस में प्लस तीन हो जाएगा ठीक है माइनस में माइनस तीन मतलब प्लस हो जाएगा और वाई माइनस में दो का होल स्क्वायर भाई ये चीज हो गया डन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या मिलता है तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि भाई ये हमें मिल रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस में तीन का स्क्वायर यानी नौ प्लस में टू ए भी मतलब कि छ एक्स ठीक है यहां की बात करें तो वाई का स्क्वायर प्लस में भाई क्या माइनस दो का स्क्वायर कितना होगा प्लस में चार हो जाएगा और माइनस टू में भी मतलब माइनस में चार वाई हो जाएगा भाई ये चीज होगी ओ ए डन अब उसके बाद क्या है ओ ए बाद बात करें तो ओ बी की बात कर रहे हैं ओ बी की बात हम करते हैं तो ओ बी कितना होगा तो ओबी हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ओ बी है इसमें भी एक्स माइनस में माइनस टू मतलब कि एक्स प्लस टू हो जाएगा और प्लस में वाई माइनस में एक इसका होल स्क्वायर आएगा जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस में दो का स्क्वायर यानी चार प्लस में टू ए बी यानी टू एक्स और उसके बाद वाई का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस में एक का एक है, में है माइनस दो वाई हो जाएगा डन ये चीज हो जाएगी ओके चलो भाई ठीक है भाई यहां पर देख पा रहा हूं ओसी ओबीओ ये तीनों चीजें हमारे पास हो गई है ओसी ओ ए तीनों चीजें हो गई लेकिन हमें पता है तीनों बराबर है अर्थात हम इनको बराबर करके देखेंगे तो यहां पर मैंने लिखता मैं लिखता हूं जब OC बराबर में में है तो उस कंडीशन क्या होगा तो ओसी को मैंने लिखा कितना under root में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में हमारे पास कितना है तो प्लस की बात करें तो भाई यहाँ पर है नौ और चार तेरह है और छाइनस चार वाई है छे एक्स है माइनस में चार वाई है और प्लस में कितना है भाई भाई छाइनस चार वाई नौ चार तेरह है भाई प्लस में तेरह आ गया ठीक है दोनों तरफ अगर मैं वर्ग करता हूं यहां पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इससे हमारा रूट कट जाएगा इससे रूट कट गया इससे रूट कट गया अब हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में इतना कितना यहाँ क्या आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में छ एक्स माइनस चार वाई प्लस तेरह यहाँ से देखा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल यानी एक समीकरण हमारे पास आगे एक्स माइनस में चार वाई प्लस तेरह भाई ये हमारी पहली समीकरण आ गई डन कोई दिक्कत नहीं अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम देखेंगे भाई ओ के बराबर ओ किया जा सकता है भाई बिल्कुल तो भाई ओ के बराबर ओ कर दिया भाई ओ बराबर में ओ किया जब भाई जब OC बराबर OB करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा तो हम OC देख पा रहे हैं कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इसको लिखा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में OB की बात करते हैं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास तो OB को मैंने देखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भाई ये लिखा पहले मैंने भाई ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना है तो भाई प्लस की बात करते हैं तो दो एक्स माइनस दो वाई भाई ये है दो एक्स माइनस दो वाई और उसके बाद कितना है दो एक्स माइनस दो वाई फिर चार एक पांच आ जाएगा तो भाई इसको पांच लिख दिया ठीक है दोनों तरफ वर्ग क्या तो इसका भी रूट कट जाएगा इसका भी रूट कट गया वर्ग से रूट कट गया वर्ग से रूट कट गया और हम यहां पर पा देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में दो एक्स माइनस दो वाई प्लस में पांच भाई ये हमारे पास सामने आ गई डन अब यहां पर हम देखते हैं से से कट कट गया गया यानी एक दूसरी समीकरण हमारे पास आगे दो एक्स माइनस दो वाई प्लस में पांच ये आ गया हमारे पास दूसरी समीकरण ठीक है अब हमारे पास जो ये दो समीकरण आएंगे दोनों समीकरण को एक साथ रखेंगे और फिर हल करेंगे तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या तो यहां पर सीधे लिखते हैं समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक तथा दो से की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या आ रहे तो भाई पहले मैंने पहले समीकरण को लिखा तो ये हमारे पास है छे एक्स माइनस चार वाई प्लस तेरह और बराबर में शून्य है दूसरी समीकरण है दो एक्स माइनस दो वाई ठीक है और प्लस में पांच बराबर में शून्य है ठीक है अब हम देख पा रहे हैं इसको हम करते हैं विलोपन विधि से यानी किसी एक को बराबर करते हैं बराबर कैसे होगा तो बराबर करने के लिए हम दो को छे कैसे बनाएंगे तीन से गुणा करके तो इसको एक से क्या इसको तीन से क्या तो करते ही हम देख पा रहे हैं अब तो यहां पर आ गया छे एक्स माइनस चार वाई प्लस में तेरह बराबर में शून्य तीन से गुणा क्या तीन दूनी छे एक्स माइनस तीन दुनी अब प्लस में पांच थी अब पंद्रह बराबर में शून्य आ गया अब यहां पर देखते हैं तो भाई ऊपर से नीचे घटेगा तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस छः में से छह गया कट गया माइनस चार प्लस छ यानी प्लस का दो वाई आएगा ठीक है और यह तेरह माइनस पंद्रह यानी कि भाई माइनस दो आएगा अब यहां से देख पा रहे हैं दो वाई बराबर में दो है और वाई का मान आ गया एक भाई वाई का मान एक आ गया इस वाई को उठाकर हम किसी भी एक समीकरण में रखते हैं तो वाई का मान एक उठाया और किसी एक समीकरण पहले या दूसरे में रख लेते हैं तो एक को जैसे ही मैंने इसमें रखा पहले में रखा ठीक है वाई के मान एक को जैसे हमने पहले में रखा तो उस कंडीशन में क्या होगा तो इसको रखते ही हम देख पाएंगे छ प्लस में माइनस में चार गुने में एक प्लस तेरह बराबर में शून्य यहाँ से भाई चार थे तेरह में से चार गया, तो कितना हो गया तो भाई नौ बचा नौ को उधर भेजेंगे तो छः एक्स बराबर में नौ है काटा तीन दूनी छः तीन तीन नौ यानी अब हमारे पास एक्स का मान जो आ गया वो तीन बटे दो है एक्स का मान है तीन बटे दो ठीक है एक्स का मान ये आ गया वाई का मान ये आ गया और इस अनुसार क्वेश्चन में क्या कहा गया था क्वेश्चन में कहा गया था यहाँ पर कि भाई इस एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है और इस एक्स का एक्स और वाई का मान क्या है वाई का मान एक है और एक्स का मान तीन बटे दो है यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का मान क्या हो जाएगा तो X भाई एक्स का मान हमारा क्या लिख दिया हमने एक्स का मान तीन बटे दो और वाई का मान एक है तो भाई यहाँ पर ये यह चीज़ है ठीक है तीन बटे दो है हमारे पास हाँ ठीक है तो x का मान कितना आ गया है यहाँ पर तो ये ओ बिंदु जो पार हमारे पास है x का मान हमारे पास तीन बटे दो है माइनस का और y का मान एक है भाई क्या आ रहा है x का मान हमारे पास तीन बटे दो आ रहा है सॉरी प्लस का ही है माइनस का नहीं है भाई तीन बटे दो प्लस का ही है और ये एक आ गया डन कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई तब केंद्र जो है यहीं पर लिखते हैं तब ओ बिंदु जो आ गया हमारे पास आ गया तीन बटे दो और एक ये आंसर आ गया डन आप इसका स्क्रीन ले लो क्वेश्चन ये समाप्त होता है और इसका भी स्क्रीन स्क्रीनशॉट लो फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है ओके चलो भाई तो मैं करता हूं इसे इरेज और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम्म हाँ जी तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो ये प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि बिंदु छह तीन और माइनस चार पांच को मिलाने वाले रेखाखंड को तीन अनुपात दो में आ, दो अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यानी ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच में कोई एक बिंदु है यानी इसको मैंने पहले माना ए तो यहाँ लिखा ये हमारे पास ए है छह तीन और उसके बाद भाई बी हमने ले लिया कितना माइनस चार और पांच ठीक है भाई एक बिंदु यहाँ पर आ गया और एक बिंदु यहाँ पर आ गया इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया ठीक है भाई ये ज्वाइन हो गया अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बीच में कोई एक बिंदु है इस रेखाखंड के बीच में कोई एक बिंदु है जो कि इसको तीन अनुपात दो में विभाजित कर रहा है यानी कि मान लो यहाँ पर एक बिंदु है जो कि मैंने माना सी बिंदु है जो कि एक्स वाई है ठीक है अब क्वेश्चन में कहा गया है ये बिंदु इसे तीन अनुपात दो में विभाजित कर रहा है

ये कितना है तो माइनस चार पांच है भाई ए कितना है छह तीन है और बी माइनस चार पांच है डन और उसके बाद इसमें कहा गया भाई कि तथा यहां पर देखेंगे तथा सी जो हमारे पास एक्स वाई ए बी को तीन अनुपात दो में विभाजित करता है विभाजित करता है डन भाई ये विभाजित करता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं चलो भाई अब उसके बाद नेक्स्ट पर हम आते हैं क्या भाई अब ये विभाजित करता है तो कैसे क्या किया जाए तो मैंने यहां पर लिख दिया इसी में क्या कि तब माना एम बराबर में तीन और एन बराबर में दो यानी इसको एम मान लिया और इसको एन मान लिया और इस अनुसार हम देखेंगे क्या भाई एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा तो भाई इसमें हमें पता है विभाजन सूत्र क्या था तो विभाजन सूत्र हमारा कुछ ऐसा है कि अगर बटे में एम प्लस में एन और वहीं वाई की बात करूं तो ये आएगा भाई क्या एन वाई वन प्लस में एम वाई टू और बटे में एन प्लस में एन भाई यही चीज़ हो गया ओके ये चीज़ हो गया भाई कहीं कहीं आपने फॉर्मूला देखा होगा एम वन एम टू लिखा हो गया एन वन एन टू लिखा होगा तो हमें दो अलग अलग नाम रखने थे वो मैंने एम और एन ज्यादा अच्छा दिख रहा है इसलिए वही रखा हमने कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर एक्स और वाई के मान जो इस अनुसार निकलेंगे वही एक्स और वाई के निर्देशांक होंगे तो मैंने यहां पर देखा एक्स का मान कितना है तो एन हमारे पास दो है और एक्स वन छ है यानी दो गुने में छः प्लस में एम है तीन और एक्स टू कितना है तो भाई माइनस चार तो भाई यहां पर लिखा ये एम है तीन और एक्स टू कितना है तो भाई माइनस चार है बटे में क्या है एम प्लस में एन यानी तीन प्लस में दो ठीक है।, है अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे बात करते हैं तो वाई कैसे होगा तो दो गुने में तीन जाएगा दो गुने में तीन प्लस में तीन गुने में भाई पांच आएगा तीन गुने में वाई टू यानी कि पांच है और बटे में कितना है तो भाई बटे में आ रहा है दो प्लस तीन अब इसको देखा तो तीन दून छह पंद्रह होता है तो पंद्रह और छह इक्कीस होता है और बटे में पांच है ठीक है तो वाई का मान इक्कीस बटे पांच आ चुका है एक्स का मान शून्य वाई का मान इक्कीस बटे पांच डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई अब उसके बाद नेक्स्ट पर हम चलते हैं जब एक्स और वाई ये आ गया है तो हम यहां पर कहेंगे तब सी जो हमारे पास है वो कितना आ गया है तो भाई जीरो और इक्कीस बटे पांच आ गया भाई कितना जीरो और इक्कीस बटे पांच जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई क्या है दो को पहले हमने तीन से गुना किया देखो वाई की बात चल रही है ना तो के अंदर क्या है दो को तीन से गुना किया तो तीन दुनी छे है भाई तीन को हमने इसके वाले वाई से गुना किया पांच पंद्रह और नीचे तीन प्लस दो ही आ गई है तो पंद्रह और छह इक्कीस होता है इक्कीस बटे पांच ही आ गया और यहां पर इसी कारण से भाई छह दुनी बारह और चारती बारह एक प्लस में एक माइनस में शून्य हो गया शून्य आ गया यानी हम यहां पर कह सकते हैं सी का मान जीरो और इक्कीस बटे पांच है जो कि इस रेखाखंड को तीन अनुपात दो में विभाजित कर रहा है डन चलो ठीक है तो इसका स्क्रीन शॉट लो चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमें हाँ जी अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर छह कुछ ऐसा कहता है कि बिंदुओं भाई एक और दो ये दो बिंदु हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए भाई इसके समिभाजित सम त्रिभाजित क्या है तो समान तीन भागों में विभाजित करना समान तीन भागों में विभाजित करना समत्रिभाजित कहलाता है डन तो इसके लिए भाई मैंने यहां पर एक रेखा खींची जिसमें कि पहला बिंदु जो हमारे पास है क्या ए बिंदु जो कि एक और माइनस दो है और यहां पर देखा तो ये बी बिंदु जो है ये हमारे पास है माइनस तीन और चार हो गया ठीक है भाई अब उसके बाद यहाँ पर ए बी आ गया बीच में भाई ये क्या है तो ये सी आ गया और ये बीच में ये डी आ गया ठीक है सी के मान की बात करें तो ये निकालना है पहले और ये डी निकालना है सम त्रिभाजित मतलब समान तीन भागों में बांटना यानी जो इसका अनुपात है वही इसका है वही इसका है यानी अगर मैं सी के सापेक्ष देखता हूं सी के सापेक्ष देखा जाए तो भाई सी को रहते हुए देखेंगे तो यहां पर एक है एक हिस्सा इधर दो हिस्सा यानी सी के लिए एक और दो आ रहा है और डी के लिए देखा जाए तो इधर से ये दो आ रहा है इधर है एक आ रहा है वही यार तो अगर मैं सी को देखता हूं तो सी में मैंने यहां पर लिखा एक्स वाई ठीक है C का एक्स वाई हो गया और डी के लिए क्या मान लेते हैं तो इसे हम ले, लेते हैं भाई या फिर ना लिखकर हम इसे लिख ले लेते हैं ठीक है क्योंकि हमें पता है यहां पर इसे लेना होगा क्या तो ये एक्स वन और वाई वन होगा और ये होगा आपका एक्स टू और वाई टू होगा भाई ये चीज होगी एक्स टू और वाई टू एक्स वन वाई वन ये आ चुका है डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई अब देखो हम क्या करते हैं तो भाई यहां पर हमने पहले लिखा हल हल के अंदर मैंने यहां पर लिखा भाई क्या बाना ए बिंदु कितना है एक और माइनस दो तथा बिंदु कितना है? ये और चार है. भाई है एक और माइनस दो और बी है माइनस तीन और चार डन चलो ठीक है और भाई इसमें हम देखते हैं सी और डी की बात करते हैं किसकी भाई सी और डी की अगर हम बात करते हैं तो सी और डी के अकॉर्डिंग क्या है तो सी और डी ए बी को समत्रिभाजित करता है तो हम यहां लिखेंगे तथा सी डी ए बी को समत्रिभाजित करता है भाई ये क्या हो रहा है सी डी जो है वो AB को समत्रिभाजित करता है भाई ये कर रहा है बिल्कुल ठीक है अब इस अनुसार हम क्या कहेंगे तब सी ए को बांट रहा है भाई सी जो है वो एबी को एक अनुपात दो में विभाजित कर रहा है एक अनुपात दो में विभाजित कर रहा है करता है तथा डी जो है वो एबी को किसमें करता है भाई अगर डी की मैं बात करता हूं तो डी जो है वो पूरे एबी को दो अनुपात एक में विभाजित कर रहा है यही कर रहा है तो हमने यहां पर लिखा वो ये दो अनुपात एक में विभाजित करता है ठीक है भाई ये बात हो गई हमारे पास डी जो है वो ए बी को दो अनुपात एक में और भाई सी जो है वो ए बी को एक अनुपात दो में विभाजित कर रहा है डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई ठीक है अब इसके बाद क्या होता है तो यहां पर हम देख पा रहे हैं सी और डी हमारे पास आ चुका है क्या भाई सी और डी हमारे पास एक्स वाई और एक्स थ्री वाई थ्री इसको हमें ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे तो पहले मैंने यहां पर लिखा एक्स और इसके लिए क्या होगा तो भाई ये वाला दो इस एक से गुणा होगा दो गुने में एक प्लस, प्लस में एक जो होगा वो माइनस तीन से गुणा होगा तो एक गुण में तीन है। और बटे में दो है, तो है ये चीज आ गया इसको हम सॉल्व करेंगे तो तो में में से तीन गया तो एक, एक बटे तीन, तीन आ रहा है अब मैं वाई की बात अगर करता हूं तो वाई कितना आएगा तो वाई की बात हम यहां पर करते हैं तो वाई की बात ये कर रहे हैं तो भाई दो गुने में माइनस दो आएगा दो गुने में माइनस दो आएगा प्लस में एक गुने में चार आएगा एक गुने में चार आएगा और बटे में कितना आ रहा है एक प्लस में दो आ गया भाई बटे में एक प्लस में दो आ चुका है डन अब इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया दो दूनी चार माइनस चार प्लस चार यानी कि ऊपर शून्य आ गया शून्य बटे कुछ भी हो तो शून्य आएगा यानी इस अनुसार सी के निर्देशांक जो आ गए हैं वो क्या आ चुके हैं तो हम लिखेंगे तब सी जो हमारे पास है वो हमें दे रखा है कितना आ गया माइनस एक बटे तीन और साथ में शून्य आ गया डन ये चीज आ गया उसके बाद नेक्स्ट पर हम चलते हैं अगले वाले पर तो अगला वाला क्या है तो अगला वाला डी है हमारे पास ठीक है और डी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे तो डी के अकॉर्डिंग भाई मैंने x3 निकालना चाहा तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं अब अनुपात एक और दो ये है मतलब ये दो अनुपात 1 है तो अब इस पॉइंट के लिए इस एक को इधर एक से गुणा करेंगे तो ये मैंने किया 1 1 प्लस में भाई इस दो को इस वाले x से गुणा करेंगे तो 2 में -3 और बटे में कितना आ रहा है तो दो प्लस में एक आ रहा है तो भाई माइनस छः प्लस एक यानी माइनस पांच बटे में तीन आ रहा है ये तो आ गया एक्स थ्री का मान वही मैं वाई थ्री के मान की बात करूँ वाई थ्री कैसे निकलेगा तो उसके लिए भाई एक को गुणा करेंगे वाई वन से एक गुने में, में माइनस दो प्लस में भाई इस दो को गुणा करेंगे चार से तो दो गुने में चार है और बटे में दो एक और तीन आ जाएगा ठीक है भाई अब इसको सॉल्व किया तो माइनस दो प्लस में आठ कितना बचा तो माइनस छः बटे में सॉरी प्लस छ बटे में तीन बचा ठीक है ये बच गया इसको काटा तो दो आ गया यानी कि हमारे पास दो आ गया यानी हम कह सकते हैं तब d का मान जो आ रहा है वो कितना आ गया है तो माइनस पांच बटे तीन और साथ में दो तो भाई माइनस पांच बटे तीन और साथ में दो ये आ चुका है डन इसका आप स्क्रीन शॉट लो क्वेश्चन ये समाप्त होता है फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके सॉल्व ओके तो इसका स्क्रीन आपने ले लिया चलते हैं नेक्स्ट पे तो भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर सात कुछ ऐसा कहता है कि बिंदु दो और माइनस तीन पांच और छह को जोड़ने वाले रेखाखंड को अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है भाई अक्ष जो है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो हम देखेंगे और इसमें विभिन्न वि, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं है पर यहाँ पर क्या कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ठीक है तो भाई यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुपात को हम यहाँ पर याद करेंगे तो उस अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भाई ए बिंदु जो है वो दो और माइनस तीन ठीक है।, है और बी बिंदु जो है वो आ गया भाई पांच और छह ठीक है और बीच में जो आ रहा है हमारे पास कोई भी एक बिंदु है जो कि एक्स अक्ष का सी बिंदु है और अगर एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होता है तो उस पर एक्स तो होता है लेकिन वाई जीरो होता है तो यानी हमने यहाँ पर लिखा ये एक्स आ गया और वाई जीरो आ गया डन कोई दिक्कत नहीं है Okay. अब इसके बाद क्या चीजें आ रही है तो यहां पर हम देख पा रहे हैं इसको अनुपात यानी कि हम हमें अनुपात जब ज्ञात करना होता है तो हम के और एक लेकर ज्ञात करते हैं ठीक है तो हमने यहां पर लिखा हल भाई यहां पर लिख दिया हमने हल और हल की हम बात करते हैं यहाँ पर तो हल में हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पर भाई क्या है ए और बी भाई ए और बी दो चीजें हमारे पास है भाई यहां पर ए और बी है इसमें हम इसको लिख देते हैं भाई एक्स वन और ये वाई वन और ये आ जाएगा भाई एक्स टू और ये वाई टू है डन कोई दिक्कत नहीं है और इसके अंदर जब आपको निर्देशांक दिए दिया मतलब निर्देशांक दिए दिया रहता है और आपको अनुपात ज्ञात करना होता है तब हमें के और एक लेके ही करना होता है ये आपको बता दिया अब इसमें भी हमें सिर्फ वाई को यूज़ करना है क्योंकि वो निर्देशांक हमें गिवन है ओके okay, तो यहाँ पर भाई हमने क्या किया हमने यहाँ पर लिख दिया एक मिनट हम यहाँ पर लिख दिया जब ए जो हमारे पास है वो दो और माइनस तीन है जब ए जो है वो दो और माइनस तीन है ठीक है तथा बी जो है ये पांच और छ है जब ए जो है वो दो और माइनस तीन है बी क्या है पांच और छ है ठीक है और तथा सी सी जो है वो जीरो और सॉरी एक्स और जीरो है एक्स जीरो ए बी को के अनुपात एक में विभाजित करता है विभाजित भाई ये होता है तथा C जो है वो AB को K अनुपात एक में विभाजित करता है डन कोई दिक्कत नहीं चलो भाई अब ये C जो है वो AB को अगर K अनुपात एक में विभाजित कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे तो सीधे फॉर्मूला यानी कि Y वाला जीरो लिखा और यहां पर Y वाला जीरो लिखा तो एक में वाई यानी कि एक गुने में माइनस प्लस में गुने में छे होगा यानी छे के लिख दिया और बटे में कितना आ रहा है तो भाई के प्लस में एक आ गया इसको उठाकर इधर लेंगे तो शून्य हो जाएगा और बराबर में ये माइनस तीन प्लस में छे के आ गए इस माइनस तीन को इधर भेजेंगे तो तीन बराबर में छ के आ गया और यहां से मैं देख पा रहा हूं के का मान कितना है तो तीन बटे में छ और इसको काटा तो एक बटे में दो आ रहा है यानी कि अब मैं देख पा रहा हूं कि के का मान जो आ रहा है वो एक बटे में दो है भाई के का मान एक बटे में दो है डन कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई ठीक है तो के का मान अगर एक बटे दो आ गया तो इस अनुसार सी यहां पर एक बटे दो लिखेंगे एक बटे दो अर्थात इस दो को उठाकर इधर ले यानी एक अनुपात दो है तो हम यहां पर लेंगे तब सी ए को एक अनुपात दो में विभाजित करता है ठीक है भाई तब क्या हो रहा है सी जो ए बी को एक अनुपात दो में विभाजित करता है डन कोई दिक्कत नहीं है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो क्वेश्चन सातवा यहाँ पर समाप्त होता है फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा ओके चलो भाई तो भाई इसको मैंने इरेज किया हाँ जी तो अगले प्रश्न की बात करते हैं यदि त्रिभुज की भुजा, भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक एक दो जीरो माइनस एक दो और एक है तो इसके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे यानी कहना यह चाहता है कि भाई यहाँ पर आपके सामने एक त्रिभुज है जो कि लिखा भाई ए है बी है और सी है ये आ गया भाई ए के निर्देशांक नहीं पता लेकिन हमें ए बी के बीच का कितना दे रखा है एक और दो है ठीक है भाई ये आ गया सी पॉइंट सी तो हमारे पास है इसको हमने लिख दिया भाई क्या ये पी हो गया और उसके बाद ए सी के बीच का कितना है तो भाई ये हमने कर दिया भाई ज़ीरो और माइनस एक ठीक है और भाई ये इसके बीच का कितना है तो दो और माइनस एक है भाई ठीक है ये हमने लिख दिया इसको हमने लिख दिया ये एक्स वन और ये वाई वन है और यहाँ पर लिखा ये एक्स टू और वाई टू है और ये एक्स थ्री और वाई थ्री ठीक है, है भाई? ये ये क्या है? क्या तो ये तीनों है, तीनों चीजें हमने, कोई दिक्कत नहीं कैसे निकलेगा तो उसके लिए देखो क्या करेंगे तो उसके लिए हम यहां पर लिखते हैं हल और उसके अंदर जब हमें पता है क्या कि भाई P Q R क्रमशः भाई क्रमश ए बी ए सी और आर किसको माना है हमने भाई पी है और ये हमारे पास क्या है तो हमने इसको लिख दिया भाई पी के बाद ए बी बी सी कर देते हैं तो ये क्यू है और ये आर है ठीक है तो भाई ए बी बी सी और क्या हो गया भाई सी ए के मध्य बिंदु है बिंदु ठीक है।, है भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं पी क्यू आर जो ए बी बी सी सी ए का मध्य बिंदु है डन कोई दिक्कत नहीं चलो भाई ठीक है है अब उसके बाद क्या है? अगर ये मध्य बिंदु है यहां पर अगर ये तीनों मध्य बिंदु हैं तो उस कंडीशन में मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा वो क्या होता है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा तब भाई तब इस एक की बात करें तो एक बराबर होगा एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो यानी एक बराबर हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो होगा ठीक है ना और साथ में यहाँ से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दो बराबर में एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा ये पहली समीकरण होगी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो भाई इस वाले की बात करूँ तो दो बराबर क्या होगा तो दो बराबर लिख दिया हमने क्या वाइट एक्स टू और एक्स थ्री को जोड़ेंगे एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे में दो है इस दो को इधर भेजा तो चार बराबर में एक्स टू प्लस में एक्स थ्री है दूसरी समीकरण होगी उसके बाद तीसरे की बात करें तो भाई ए सी है एसी की बात करते हैं तो एसी में मैंने देखा क्या तो भाई एक्स प्लस में एक्स मतलब वन प्लस में बराबर में जीरो है जीरो बराबर में एक्स वन प्लस में एक्स थ्री बटे में दो यानी इसको भेजा तो यहां से हम देख पा रहे हैं जीरो बराबर में एक्स वन प्लस में एक्स थ्री है और ये आ गया आपका समीकरण तीन और ये तीसरे समीकरण होगी सेम प्रोसेस चलेंगे वाई वाले में तो वाई वाले की बात अगर मैं करता हूं तो यहां पर क्या होगा तो वाई यहां पर देखा तो दो से वाई दो लिखा बराबर में वाई वन प्लस, वाई वाई प्लस बटे में दो है इसको इधर भेजा तो चार बराबर में वाई वन प्लस वाई टू है यह आ गया समीकरण चार उसके बाद नेक्स्ट के हम इसकी बात करते हैं तो माइनस एक जो है ये बराबर जाएगा वाई टू प्लस वाई थ्री वाई टू प्लस वाई थ्री बटे में दो है इसको उधर भेजा तो माइनस दो बराबर में वाई टू प्लस में वाई थ्री है और ये आ गया समीकरण पांच आ गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या है तो यहाँ पर सॉरी वाई वन प्लस वाई थ्री बटे में दो बराबर माइनस एक आएगा तो भाई यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस एक बराबर में वाई वन प्लस में वाई थ्री बटे में दो इस दो को इधर भेजा तो माइनस दो बराबर में वाई वन प्लस में वाई थ्री भाई ये चीज आ गया छठी इक्वेशन छठा समीकरण आ गया डन कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो हम देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे। ये छह समीकरण हो गया अब इनको हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे कैसे तो भाई इन पहले पहले तीनों समीकरण को यहां जोड़ेंगे और फिर तीनों समीकरण को यहां जोड़ेंगे ठीक है और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सॉल्व कैसे होगा तो भाई यहां पर मैंने लिख दिया भाई क्या समीकरण एक प्लस दो प्लस तीन भाई ये चीज़ करते हैं तो ये चीज करते हैं हम क्या देख पा रहे हैं एक और ये आ गया दो चार और जीरो दो चार जीरो दो प्लस चार प्लस जीरो बराबर में क्या आ रहा है तो बराबर में हम यहां देखते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स थ्री यानी कि सब कुछ डबल है देखो तीनों को जोड़ेंगे तो एक्स वन भी दो बार है एक्स टू भी दो बार एक्स थ्री भी दो बार है सब कुछ डबल है यानी कि हमने लिख दिया दो और ये आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये आ गया और इसको इधर तो में दो इसको मैंने समीकरण ले, तो ले लिया अब यहाँ पर x1 और x2 को हम यूज करेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू दो है तो इसको हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब समीकरण एक से एक से तो एक से की बात करते तो हुआ है तो दो दे रखा है तो उसको दो हम यहां पर लिखेंगे तो तीन बराबर में दो प्लस में एक्स थ्री है और यहां से एक्स थ्री का मान कितना हो गया तो भैया इस साइड जाएगा तो एक आ गया तो एक्स थ्री एक आ गया अब उसके बाद क्या करेंगे भाई तब सम, समीकरण मैंने लिख दिया यहां पर भी समीकरण दो तथा सात से इन दोनों समीकरण से फिर आपके पास दूसरे में क्या है तो दूसरे में वन और सॉरी टू और थ्री है तो हमने यहां पर क्या किया टू और थ्री की जगह वैल्यू रखी कौन सी तो भाई चार रख दी तो भाई यहां पर लेते हैं भाई तीन बराबर में एक्स वन प्लस में ये चार चार इधर जाए घटेगा तो माइनस एक बराबर में एक्स तीन एक्स एक आ गया ठीक है ये आ गया उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो अगला क्या आएगा तो समीकरण फिर से समीकरण किसकी बात करें तो भाई तीसरी और सातवीं की बात करें तो इसकी हम बात करते हैं तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं तो भाई तीसरे में क्या है एक्स वन और एक्स थ्री शून्य तो भाई यहां पर क्या किया एक्स वन एक्स थ्री जगह रखा मतलब सिर्फ एक्स टू बचा तीन बराबर में शून्य प्लस में एक्स टू है यानी से हम देख पा रहे हैं, एक्स टू का मान जो है वो तीन आ गया यानी इससे हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों चीजें आ चुकी है डन कोई दिक्कत नहीं अब हम करेंगे इसी प्रकार से इसी प्रकार से क्या हो रहा है भाई समीकरण भाई चार पाँच और छ इन सभी को जोड़ा गया भाई इसी प्रकार से इसको भी जोड़ दिया हमने चार पाँच छः को तो जोड़ेंगे तो चार माइनस दो और माइनस दो यानी कि हम देख पा रहे हैं क्या भाई चार माइनस दो और माइनस दो बराबर में कितना है तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो वाई वन टू टू थ्री वन थ्री सब कुछ डबल है वन भी डबल है टू भी डबल है थ्री भी डबल है, है। यानी इसको भी सीधे लिखेंगे क्या भाई इसको लिख दिया दो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री ठीक है अब यहां से देख पा रहे हैं तो भाई ये कितना जीरो आ गया तो दो जीरो आ गया, गया, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बराबर आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब देखिए क्या है हमें पता है वाई वन प्लस वाई टू कितना है चार है तो भाई इसमें हम क्या करते हैं वाई वन और वाई टू की जगह चार रखेंगे जीरो बराबर में चार प्लस में तीन वाई तीन और यहाँ साइड में लिख दिया हमने क्या वाई वन प्लस में वाई टू जो है बराबर में चार था ठीक है ये लिख दिया उसकी वजह से कर दिया यहाँ से वाई थ्री का मान कितना आ गया तो ये शून्य सॉरी माइनस चार आ गया ठीक है भाई पहली बात आ गई दूसरी बात क्या है तो यहाँ पर मैंने लिखा जीरो बराबर में अब भाई क्या चीज़ है अब वाई टू और वाई थ्री टू और थ्री की जगह माइनस टू लिखेंगे तो भाई यहाँ पर हमने टू और थ्री की जगह माइनस टू मतलब वाई वन और माइनस टू लिख दिया और ये क्यों लिखा तो भाई वाई टू प्लस वाई थ्री बराबर माइनस टू था इसको इधर भेजेंगे तो दो बराबर में वाई वन आ गया भाई ये चीज आ गया दो बराबर में वाई वन आ गया तो वाई थ्री माइनस चार आ गया वाई वन जो है वो दो आ गया और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर <coughs> नेक्स्ट हमारे पास क्या है फिर से जीरो बराबर में अब भाई क्या है तो यहां पर हम देख सकते हैं लास्ट में जो हमारे पास है वाई वन और थ्री जो है वन और थ्री है माइनस दो है तो हमें पता है वन और थ्री को माइनस दो लिखा तो बच गया वाई टू ठीक है और इसके लिए रीजन यहां पर लिख दिया वाई वन प्लस में वाई थ्री ये भी आपका माइनस टू है डन इसको उधर भेजा तो भाई टू आ गया वाई टू का मान जो आ गया वो दो आ गया डन कोई दिक्कत नहीं अब इस अनुसार हम देखेंगे ए कितना है ठीक है तो ए की अगर मैं बात करता हूं तो ए हमारे पास आ गया कितना एक्स वन और वाई वन एक्स वन कहा है हमारे पास तो भाई एक्स वन माइनस एक है और वाई वन कितना है तो वाई वन हमारे पास दो है तो माइनस एक और दो ये हमारे पास आ गया एक ए आ गया माइनस एक और दो आ गया ठीक है उसके बाद वाई टू की बात करते हैं तो सॉरी बी की बात करते हैं तो बी में क्या होगा तो एक्स टू कितना भाई हमारे पास एक्स टू एक्स टू तीन है और वाई टू कितना आया है तो वाई टू हमने उधर निकाला है तो तीन और दो यानी बी हमारे पास आ गया तीन और दो आ गया सी की बात करते हैं तो सी कितना है तो एक्स थ्री है एक्स थ्री कितना है तो एक्स थ्री को मैं देखता हूं यहां पर भाई एक है और भाई वाई थ्री कितना है माइनस चार है तो भाई एक और माइनस चार कर दिया ये हमें ज्ञात करना था भाई यही चीज हमें याद करनी थी क्या भाई एक्स भाई वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री ये चीज याद करनी थी निकल चुकी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके okay. और उसके बाद आप फिर इसका भी स्क्रीन ले लीजिए क्वेश्चन यहां पर समाप्त भाई क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो चुका है आपने स्क्रीन शॉट ले लिया और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था यानी ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं फिर आपके भाई वो सुट जाते हैं लेकिन अब नहीं उड़ेंगे अब आप इसको बिल्कुल क्लियर कर पाओगे यहाँ पर सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हैं ठीक है थीके? वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो डन कोई दिक्कत नहीं चलो भाई ठीक है तो स्क्रीन तो ले लिया है चलते हैं नेक्स्ट पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हाँ जी अगले प्रश्न की हम बात करते हैं बिंदु हमारे पास दे रखा है ए बी सी भाई तीन बिंदु दे रखे हैं और इस तीनों बिंदु की बात करें से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकलेगा तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा हल और इसके अंदर भाई हमने जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में ए हमारे पास है तीन दो बी हमारे पास कितना है ग्यारह आठ और तथा तो सी आठ और बारह है ठीक है भाई इसको जैसा कि मैं यहां पर लिख लेता हूं क्या लिख लेता हूं तो ये हमारा आ आ आ गया एक्स टू, वाई टू, और यहाँ पर आ गया गया ये और पर ठीक है अब हमें क्या करना है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी लिखा मैंने भाई क्षेत्रफल लिखा ए बी सी और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा तो फॉर्मूला बनेगा एक बटे दो और यहां पर आएगा एक्स वन और भाई वाई टू माइनस वाई थ्री ठीक है प्लस में एक्स टू और उसके बाद एक्स टू के बाद क्या होगा तो भाई वाई थ्री और वाई वन और उसके बाद एक्स थ्री इसके लिए क्या होगा एक्स थ्री के लिए भाई इसके आगे चलेंगे तो वाई वन और वाई टू भाई ये चीज हमारे सामने आ गया कोई दिक्कत नहीं है अब इसकी वैल्यूज को रखते हैं रखेंगे तो क्या आएगा तो एक बट्टे दो ठीक है एक्स वन कितना है तो तीन और वाई टू माइनस वाई थ्री मतलब आठ में से गया बारह तो आठ में से बारह गया तो माइनस चार बचा इसको पहले पूरा लिख ही देता हूं मैं आठ माइनस बारह एक्स टू की बात करें तो भाई ग्यारह है और भाई क्या है वाई थ्री यानी कि बारह माइनस वाई वन यानी कि दो प्लस में एक्स थ्री की बात करें तो भाई आठ है और वाई वन कितना है तो भाई दो है और वाई टू कितना है तो भाई आठ है भाई ये चीज हमारे पास हो गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं डन अब इसके बाद क्या है तो भाई यहाँ पर लिखा एक बटे दो और इसके अंदर देख पा रहा हूं भाई आठ में से बारह गया तो चार माइनस का माइनस चार दिया माइनस बारह यहाँ पर देख पा रहा हूँ बारह में से दो गया दस दस दाहें दस को ग्यारह से करेंगे तो एक सौ दस आएगा यहाँ पर क्या है तो भाई दो में से आठ गया तो माइनस छः और आठ छः अड़तालीस तो होता है तो माइनस अड़तालीस तो आ गया ठीक है अड़तालीस और बारह जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो एक में से तो 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 क्षेत्रफल निकल चुका है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है ओके चलो देख लेते हैं हाँ जी तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है इसका और इसको देखने वाले हैं भाई ये कैसे सॉल्व होगा तो यहाँ पर भाई दर्शाइए कि बिंदु ये तीनों बिंदु क्या है सनरेखी हैं क्या है भाई सनरेखी हैं ये चीज हमें दर्शाना है अब इस चीज को दर्शाने के लिए भाई क्या चीज होगा तो यहाँ पर मैंने लिखा हल और हल की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या ए बी सी यानी कि भाई मैंने यहाँ पर लिखा ये पॉइंट हमारे पास आ गया ये आ गया ए जो हमारे पास है भाई एक और माइनस और बी जो कि है पांच और दो और सी जो कि हमारे पास है नौ और पांच भाई ये चेक गया ए बी सी तीनों पॉइंट आ चुके हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो भाई ठीक है भाई ए बी सी तीनों पॉइंट आ चुके हैं देखो एक संदेखी का तरीका ये होता है कि भाई इनमें किसी भी छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो तीसरी बड़ी भुजा के मुझे नहीं पता कि भाई ए पहले है कि बी पहले है कि सी पहले है। कौन सी बड़ी ये नहीं पता तो इसके लिए हम क्या करते हैं तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं जिससे कि आसान हो जाएगा ठीक है एक तो तरीका ये होता है दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मैं क्षेत्रफल ए बी सी को शून्य साबित कर दूं अगर इसको शून्य लिख दूं भाई इसका क्षेत्रफल निकाला शून्य आ रहा है तब ये बिंदु संदेखेंगे दो तरीके आपके करने के तो हमने इस तरीके से पहले क्वेश्चन किया था अब इस तरीके से इसको करेंगे ओके चलो भाई तो इसको करेंगे कैसे तो भाई इसके लिए सबसे पहले हम तीनों भुजाएं निकालते हैं यानी कि भाई मैंने देखा भाई माना यहाँ पर ए जो हमारे पास है वो एक और माइनस एक है बी हमारे पास है पांच और दो आ गया और सी तथा सी जो है वो नौ और पांच आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं ए इतना है बी इतना है सी इतना है तीनों चीजें आ गई है डन चलो ठीक है अब उसके बाद क्या होता है तो भाई त्रिभुज ए बी सी इसके अंदर हम पहले ए बी निकालते हैं तो भाई ए बी निकालेंगे तो भाई यहां पर ए बी निकाल तो पांच तो देखो क्या होता है ए बी एक्स टू माइनस एक्स वन यानी पांच में से एक गया उसका वर्ग और दो में से माइनस में माइनस एक गया मतलब प्लस एक आ जाएगा इसका वर्ग अब इसको देख पा रहा हूं तो चार का वर्ग और तीन का वर्ग चार का वर्ग और तीन का वर्ग जिसे कहेंगे क्या सोलह प्लस में नौ और जिसे कहा जाता है पच्चीस पच्चीस का रूट क्या होता है पांच यानी ए बी पांच हो गया नेक्स्ट चलते हैं बीसी पर बीसी निकालेंगे तब कितना होगा तो यहां देखता हूं एक्स टू माइनस एक्स वन यानी नौ माइनस पांच और इसका वर्ग फिर पांच माइनस में दो इसका वर्ग अब यहां पर देखा नौ में से पांच गया तो ये चार बचा और ये बचा तीन का वर्ग जिसे हम लिख सकते हैं सोलह प्लस में नौ फिर से वही चीज यानी कि अभी आ गया पांच भाई बीसी कितना आ गया पांच हो गया अब नेक्स्ट पर हम आते हैं सी निकालते हैं कितना होगा सी की बात करते हैं तो फिर से वही नौ में से गया एक नौ में से गया एक इसका वर्ग प्लस में पांच में से गया एक माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा अब ये आ जाएगा क्या तो यहां पर देखा ये आठ का वर्ग आ रहा है प्लस में ये छह का वर्ग आ रहा है यानी कि ये आ रहा है क्या चौसठ प्लस में छत्तीस आ गया इसको जोड़ा तो ये आ गया रूट सौ आ गया अब इससे लिखा जा सकता है दस भाई रूट सौ जो आ गया इसे लिखा जा सकता है दस कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए पूरा लंबा जो ए है इसका मान कितना आ गया दस आ गया ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमें चेक करना था बड़ी भुजा दो छोटी भुजाओं के जोड़ के बराबर है कि नहीं तो मैंने यहाँ पर देखा ए बराबर में क्या ए बी प्लस बी सी आ रहा है तो भाई यहाँ पर देखा ए सी है दस और ये बराबर है पांच प्लस में पांच ये भी बराबर आ रहा है यानी कि ये चीज बराबर हो रही है तो हम यहाँ पर कहेंगे तब ए बी सी ए बी तथा सी सी बिंदु संरेखी है डन तो यह क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट ओके और भाई इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन भी यहां पर समाप्त होता है जिसमें कि हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ओके okay, और उसके बाद फिर एम भी हमने देखे और उसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और उसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस भी देखे बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यानी अब आपके जो एग्ज़ाम में फंसने वाले क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके हैं यानी आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है अगर आपने ये सेशन पूरा कंप्लीट देख लिया है और इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लो तो डन क्योंकि भूलना नहीं है ओके okay, और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए भाई आपको फायदा मिल रहा है उनको भी फायदा मिल रहा है तो और मज़ा आ जाएगा ओके okay, चलो भाई तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को समाप्त और मैं आपको बताना चाहूँ इससे पहले के सभी चैप्टर के आपके लास्ट मिनट रिविजन ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना और उसके बाद के भी सभी चैप्टर लाइन वाइज आने वाले हैं तो वो भी जरूर देखना ओके okay, डन चलो भाई तो इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है के से ट्वेल्थ क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर है दो चैप्टर फ्री उसके बाद पैसा तो भाई ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पर हर चीज़ मिलती है बेस्ट क्वालिटी में और वो भी कम्प्लीट तो भाई आप इसका फायदा उठाइए जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर सी बी एस सी इंग्लिश मीडियम और भाई सी बी एस सी हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और भी जितने भी बोर्ड्स हैं जो एन सी ई आर टी से रिलेटेड हैं सारे कोर्स से, सारे रिलेटेड वाले बोर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं तो उनका आप फायदा उठा सकते हो डन और ये सब कुछ आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और हंड्रेड परसेंट फ्री आपको मिल रहा है ओके okay. और भाई उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम एन टी एस सी ओलम्पिया सी यू टी जैसे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर होती है और साथ में स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है ओके okay. और उसके बाद में आपको बताऊँ तो भाई इन सभी कोर्सेज को आप मैग्रो यूट्यूब पर तो देख ही रहे हो उसके साथ साथ आप वेबसाइट हमारी डब्ल्यू या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मैग्रेजब्रेन पर भी पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से देख सकते हो जिसमें आपको पूरे हर एक क्लास मिल जाएंगे यानी कि आपको जस्ट अपनी कक्षा चुननी है है। और उसके बाद अपना सब्जेक्ट चुनना है उसके बाद अपना पार्ट कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो वो चैप्टर चुनना है उसके बाद हर एक चैप्टर के आपके एमसीक्यूज की सीरीज पूरे एनसीआरटी का सोल्यूशन एमसीक्यूज का सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वन शॉर्ट रिविजन सैंपल पेपर हर चीज बिल्कुल वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा बिल्कुल अरेंज फॉर्म में तो आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो ओके डन तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को समाप्त और भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए ओके बाय थैंक यू